गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक भाई। ईद के जितने भी दिन गुजरते जाते हैं दावतें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। पहले दिन लॉन का जोड़ा पहने, दूसरे दिन शिफॉन का पहने और तीसरे चौथे दिन बनारसी जोड़े आप पहन सकते हैं, क्योंकि अब आपके सर से काम ख़त्म हो गया है, बल्कि अब काम कुर्बानी हो गई, गोश्त पट गया, दावतें इमीडिएट ससुराल वालों की, इमीडिएट फैमिली की निपटा दी। अब बारी है खुद मेहमान बनने की, खुद अच्छे से मेकअप करके बग़ैर गर्मी में खाना पकाए, खुद ऐश करने की, खुद आराम करने की, खुद घूमने फिरने की। सो ईद का तो एक्चुअली दूसरे तीसरे दिन से ही, बल्कि चौथे पांचवें दिन जब तक वीकेंड रहता है दावतें चलती रहती हैं, और अभी भी दावतें जारी सारी हैं। और मेरे तो कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे ना, मतलब आज मैंने इतने झिलमिल किस्म के कपड़े पहने हुए। इस कलर को मैं पता नहीं कितने दिनों से ढूंढ रही थी। मैंने शायद हानिया को देखा था एक साड़ी पहने हुए इस कलर की, और इस कलर पे मेरा दिल आ गया। तो मैंने सोचा था इस ईद पे तो ये जोड़ा बनाना है। हाय, लेकिन जो पिछले दिनों मैंने जोड़े पहने वो भी सोच के रखे थे। सो मैंने कहा कि दावतें चलती रहेंगी भाई, कपड़े जो भी दिल है अगर आपको बग़ैर खर्चे के मिल रहे हैं तो मांगो, पहनो, इंजॉय करो। और मैं भी यही करती हूँ, सिर्फ एक जोड़ा खुद खरीद के बनाती हूँ मैं। अच्छा, वैसे ये तो मेरी ख्वाहिशात है ना, जो मैं कहती हूँ कि अच्छा चलो इधर इधर इस तरह पूरी कर लूँगी, ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगी। अगर ये ख्वाहिशात आपके बच्चों की होती है ना, जिनका हर स्टेज पे जब वो छोटे होते हैं, मुन्ने गोद के होते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं, आप उनके लिए, मतलब आप क्या, मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए बनारसी गरारा शरारा और पता नहीं उसके साथ नीचे मलमल की लाइनिंग गोटे वाले कपड़े बनवाया करती थी, पूरी डिज़ाइनिंग। और मेरी एक मेरे बच्चों की एक हमेशा से डिज़ाइनर रही है, ख़ासतौर पे सिला की जेबाई के नाम से। अब वो नहीं इतना काम कर रही होती, लेकिन जब से सिला छोटी थी उन्होंने इतने मजे मजे के गरारे शरारे छोटे छोटे जूते मैंने ढूंढ ढूंढ के सिला के लिए बनवाए, और उसको दिल खोल के अपनी मर्जी की चूड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, पूरी सर की एक्सेसरीज खरीद खरीद के, ढूंढ ढूंढ के, मेहनत कर करके फिर उसको पहनाए हैं और ईद मनवाई है। फिर उसके बाद वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो क्या हुआ, फिर जब थोड़ी सी बड़ी हुई मुझे भी साथ जाना, नहीं मुझे फलाने कलर, मुझे पिंक नहीं चाहिए, आई हेट पिंक। उसको इतना मैंने पिंक पहनाया कि उसको पिंक से नफरत हो गई, तो वो अपने लिए ढूंढेगी ब्लू चाहिए उसको, भाई भाई के जैसा कलर चाहिए ब्लू, तो मुझे ब्लू चाहिए। और फिर शॉप पे जाके नहीं वो चाहिए वो नहीं चाहिए। अच्छा, उस वक्त वो उस एज में थी कि मैं उसकी बात जो है वो थोड़ा सा रिजेक्ट करके उसको पटा पुटू के कपड़े दिला देती थी। लेकिन फिर उसके बाद जब वो बड़ी हुई थोड़ी और, सो अब तो वो किसी की भी सुनती, और अब क्या होता है, अब उसको जनाब खुद पैसे लेके जाने और अपने मनपसंद कपड़े खरीदने। फिर एक और ट्रेंड आ गया आजकल, जो कि हमारे ज़माने में, यानी हमारे बच्चे जब छोटे थे तब नहीं था, ट्विनिंग का ट्रेंड। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा है अपने बच्चियों के साथ ट्विनिंग करते हुए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल बेटियों के साथ ट्विनिंग करती है, मेल बेटों के साथ ट्विनिंग करते हैं। आइए मैं थोड़ी सी पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आपसे। माँ बेटी और बाप बेटा ट्रेनिंग करें, बल्कि पूरी पूरी फैमिलीज आजकल, मैंने बहुत पिक्चर इंस्टाग्राम पे देखी है, सबका एक ही कलर कॉम्बिनेशन होता है, डिज़ाइन अलग होते हैं, लेकिन एक ही पेस्टल फैमिली या कोई और कलर जो है वो सब शेयर कर रहे होते हैं और तस्वीरें खिंचवा खिंचवा के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर रहे होते हैं। सो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और हर स्टेज पर आपके बच्चों की चॉइसेस चेंज हो रही हैं। तो आज हमने कुछ ऐसा ही प्रोग्राम सजाया है, आपके फेवरेट सेलिब्रिटी कपल्स अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। ये सोचिए कि आर वाई ने आज उन्हें बकरे ईद की दावत पे बुलाया है और इस दावत का हिस्सा आप भी हो सकते हैं। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम एक साथ ईद का शो इन्जॉय करेंगे, क्योंकि अभी ईद ख़त्म नहीं हुई, बरकरार है ये गहमा गहमी मस्ती मजाक। कितने दिनों बाद हमें मौका मिला है खुल के ईद मनाने का, गले मिलने का, एक दूसरे के घर जाने का,
सो एंजॉय करें इस ईद को और मनाते रहें, दावतें खाते रहें जब तक आपका दिल चाहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। होते कौन हो पूछने वाले? कुछ होने में वक्त ही कितना लगता है, इधर आपने कहा डील डन, उधर कुछ हो जाएंगे। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज दिस। प्यार नहीं हुआ मुझे, आई डोंट लव यू एंड आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। चल चौधरानी, किस्मत ने पलट कर वार किया। किस्मत पलट कर वार नहीं करती चौधरी साहब, मोहब्बत करती है पलट कर वार। ये शादी नहीं हो सकती। कल मंगनी है जमील साहब, शर्त हार गयो तब मंगनी करो। शादी मैंने पाकिस्तानी लड़की से नहीं करनी। तो शादी के लिए कौन से मुल्क को इम्तिहान में डालना है? माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो। पाकिस्तान, आज इस ईद पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज के जो मेहमान हैं, इन सब टैलेंटेड कपल्स के जो बच्चे हैं उनको मैंने गोदों में देखा है। छोटे छोटे होते थे, क्यूट क्यूट होते थे, कभी फ्रिल वाली फ्रॉक पहने हुए देखा है, छोटे छोटे शॉर्ट्स पहने देखा है, बूट्स पहने देखा है। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आपको अगर पुराने प्रोग्राम्स दिखाऊं तो आपने भी उन्हें इसी तरह देखा है और अब इतने खूबसूरत नौजवान मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। इस शो के लिए हमारे पास तीन आपकी फेवरेट फैमिलीज मौजूद हैं जो आपके साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। जो पहली फैमिली जिनको मैं दावत दे रही हूँ, बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं जनाब और हर कैरेक्टर को इन्होंने बड़ी ईमानदारी से प्ले किया है। उसी तरह ईमानदार बाप, शौहर और ईमानदार गेस्ट भी हैं, हमेशा फ़न करते हैं जब भी शो पे आते हैं। आज दोनों एज कपल अपने बेटा बेटी के साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शबीर जान विद अर्दिल एंड यशमीरा। आज ऐसे एक मिनट राउंड अबाउट से घूम के आ जाए। ईद मुबारक। चम्मक चल लो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल, कैसे हो? आ जाओ इधर आइए भाई, इधर आइए जरा, इधर आइए। तो मैं तो पुरानी आप लोगों की एक तस्वीर लगाई है, सबको दिखाई है, ये लोग छोटे छोटे से। हाँ, और अब देखें। और अब माशाल्लाह देख के कद इनके लंबे हैं तो ये अभी भी छोटे, लेकिन ऐसे कद निकाले माशाल्लाह। क्या प्लान है भाई, बारबेक्यू करने किधर जाना है यशमीरा अर्दिल, क्या प्लान है तुम लोगों का ईद का? कजन्स के घर जाएंगे बारबेक्यू। हाँ? हर साल ही। हाँ, हर साल बारबेक्यू। अच्छा, बारबेक्यू वगैरह वो सब मिलके बस कर लेते हैं। हाँ। और यशमीरा तुम्हारा क्या प्लान है? बस सुबह दादी, रात में नानी के। ये तो ट्रेडिशन है हमारा, ये सेलिब्रेशन है। और आप लोग क्या बच्चों को तैयार देख कर ही खुश होते हैं? ईद का मजा तभी तो बाला होता है। हाँ जी, अक्सर हर पेरेंट्स की तरह यही होता है। आपसे कोई आके यशमीरा तैयार होके फुल आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट वसूल करने वाली चीज देती है कि बताएं अबू मैं कैसी लग रही हूँ? ये दोनों ईदों पे ईदी वसूल करने वाली कॉम्प्लीमेंट है। दोनों ये कहेंगे बकरीद की जरूरत ही नहीं पड़ती। माशाल्लाह इतने प्यारे लगते हैं, अल्लाह इनकी नजरें बस से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जो सब देख रहे हैं बुजुर्ग वो भी इन सब बच्चों को दुआएं दें। थैंक यू, ईद का मौका है और हमारे भी बच्चे हैं ये। मुझे तो दिल से ना प्यार आता है इन लोगों पर क्योंकि मैंने इनको छोटा सा देखा। बिल्कुल, साथ साथ। तुम बड़ी क्यों नहीं हो भाई अब तक? यार मैंने कोई इधर सिंगिंग खाई है। नहीं नहीं, कितना मजा आएगा ना, मतलब हम आपके सामने बड़ी तो हुई है ना ये। हाँ, ये मेरे सामने बड़ी है। अच्छा, जिसे मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं जिक्र कर रही थी कि हर स्टेज पे हम अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स करते हैं कि उनकी ईद कैसे अच्छी मनाए। सो अगर आप फ्लैशबैक में जाएं, यशमीरा की क्या ख्वाहिश होती थी छोटी होती थी और ये अर्दिल साहब को बकरा चाहिए, उसको अच्छे कपड़े चाहिए, क्या आप भाग भाग के पूरी करते थे? टाइम लग जाएगा फ्लैशबैक में जाने जाए ना, एक
एक झपका आया, हमारे एडिटर ने झपका मारा नहीं, लेकिन इनको बकरे ही दोनों को चाहिए होते थे। अच्छा अच्छा बकरे आ गए। अच्छा बकरे तो चाहिए होते थे। अब वो कटेंगे नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं बकरे लाया हूँ बड़े बड़े। इसमें ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोटा वाला चाहिए। और वो काटता नहीं है। और वो हर बकरी से छोटा बकरा जरूर होता है। ओ बड़े के साथ एक दफा नकली ले आए थे ये। अच्छा, हाँ, वो जो नहीं ये नहीं छोटा चाहिए। अच्छा चलो आ गया। हाँ। हमने कहा छोटा कर लेंगे कोई ना कोई मसला, तो उसको काटने नहीं दे रही। और अरविंद क्या होता था आपका, आपका सीन क्या, बकरे को घुमाना चारा खिलाना? वो भी होता था, मगर ज्यादातर कुछ गिफ्ट यू नो, लाइक अगर कुछ गिफ्ट की कोई बात चीत हो जाए अब्बू के साथ। इनको खुद भी बहुत शौक था कि खुद कुर्बान करें। मतलब अच्छा। वो थोड़ा बचपना है, डरने वाले बच्चे नहीं थे? नहीं नहीं अभी तक नहीं। अभी तक अब कौन डरेगा भाई? अब हम डर रहे हैं। जी तो मैं जो नेक्स्ट फैमिली बुला रही हूँ उनको भी एज कपल आप देखते हैं, अलग अलग भी देखा है, अक्सर आपने हमारे शो पे भी काफ़ी इंटरव्यूज उनके देखे हैं। और अभी कुछ शायद एक महीना पहले वो अपने बच्चों के साथ पहली दफ़ा मेरे शो पे अपेयर हुए थे। दोनों गबरू जवान लड़के हैं, माशाल्लाह हीरोज हैं। अब तो ये अगली वाली जनरेशन ने ही आना है टीवी के ऊपर भाई, यही आपको नज़र आएंगे। और माशाल्लाह फ़ख्र है हमें उन सारे बच्चों पर जो हमारे दोस्तों के बच्चे हैं। तो आइए वेलकम करती हूँ मैं खूबसूरत फैमिली, रैम्बो साहिब और उनके दो हैंडसम बेटे एहसन एंड ज़ैन। ईद मुबारक, ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। अरे क्या हाल है, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सब खड़े हुए, क्या हाल है भाई? कैसे तीन हीरोज तो तैयार हैं यहाँ पे भाई, डायरेक्टर जितने भी ये देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, हमारे पास तीन हीरोज यहाँ मौजूद हैं, एक हीरोइन मौजूद है। आप लोग भी हीरोइन और हीरो हैं, वो ठीक है। अब हमारे बच्चों का राज है माशाल्लाह, इंशाल्लाह। कैसे आप लोग बच्चों, ठीक ठाक? मैं सारी बकरों बकरों की जिम्मेदारियां निभा कर सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। मैंने जैसे ये आए थे, मैंने इनसे भी ये पूछा था कि हमारी ईदें जब शादी के बाद की ईदें बच्चों की ईदें हो जाती, बिल्कुल। तो आपके दोनों बच्चों की क्या फरमाइशी प्रोग्राम होता था खासतौर पे इस ईद पर? इस ईद पे यही होता है कि जी ये तो सांप छुरी भी फेरते हैं। माशाल्लाह दो साल से भाईजान, वेरी गुड। मैंने कहा दिल पक्का होना चाहिए, दिल होना चाहिए जवान। दस साल तो फिर दसी। वाह वाह वाह। और ये जब इतने इतने थे तब से मैंने खड़ा करता था कि वो होता है ना कि नहीं खून नहीं दिखाओ, खून भाई क्यों ना दिखाओ यार, हमारा त्यौहार है, आगे इन्होंने ही चलाना है। तो माशाल्लाह ये दो साल से छुरी फेर रहे हैं सांप और बड़े जानवर। और आपके साथ जाते हैं बकरा खरीदने के लिए? नहीं नहीं वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, फरमाइश करते हैं, तस्वीर दिखा देते हैं, यहाँ जाना है। अच्छा। ये ऐसा चाहिए। अच्छा, और गाय ऐसी चाहिए। दो मरतबा इनकी फोटो दिखाई इन्होंने। हाँ, नहीं नहीं वो मेरे फोन में सऊद की थी। वो कह रहे थे ये बड़ा वाला चाहिए। मस्ती तो चलती रहेगी बिल्कुल। साहिबा पूरे घर में एक खातून आप जी जी, सो क्या वो चूड़िया वो मेहंदी ये वो इन तीनों में से कोई आपको ले गया है ईद पर मेहंदी लगवाने या चूड़ियां पहनवाने? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तो मतलब एक ही एक घर में एक। और बच्चे तो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते ईद के कपड़े लेने में, भी नहीं इंटरेस्टेड। ओके ये कर लेंगे, ठीक है, कोई आप ही ले लें। हाँ, हाँ, आप ही चले जाएं। बिल्कुल नहीं, लेकिन अब अपनी मर्जी से लेने लग गए हैं कि हमने ये पहनना है ये पहनना है। तो लेकिन बच्चे मतलब अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं वो। अपनी ये वाली वो एज है कि हमें पैसे देने, हम खुद ही ले लेंगे। हाँ, हमें तो सारी रात नींद नहीं आती थी। हाँ। सुबह नए कपड़े पहनने। तुम लोगों के साथ ये होता था? हाँ, सारी रात ही सोना। और हमारे तो एक ही थान से बनते थे। अच्छा ये छोटे होते बकरा को बक्का कहते थे, अच्छा। वो हम जैसे ना साइज से बुला रहे हैं कि सबसे पहले इनकी शादी हुई, फिर इनकी शादी हुई, वो वाली चीज। अब मैं जो नेक्स्ट कपल बुला रही हूँ, जो नेक्स्ट फैमिली बुला रही हूँ, उनकी शादी नहीं हुई अभी। नहीं सबके बाद हुई। अच्छा उनकी शादी, आप शादी के हवाले से बुला रही, उम्र के हवाले से उसका पहला बनता था।
देखिए भाई मैंने कुछ नहीं बोला, अब वो आने तो थे ना, तो फिर मुकाबला, ये तो भाई मुकाबला चलेगा। और देख लीजिएगा बच्चे हैं, बच्चों के सामने अब्बाओं की इज्जत रहनी चाहिए। सो नेक्स्ट फैमिली जो मैं जिनको आपको मिलवाने वाली हूँ इस ईद पर, उनके यूट्यूब चैनल के जरिए भी आप उनको अच्छे से जान जाते हैं, कैसे वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन टीवी की फिर बात और होती है। सो आइए दो बहुत ही टैलेंटेड लोग एक साथ अंडर वन रूफ एज मियां बीवी, और उनके बच्चे भी वैसे ही टैलेंटेड। वेलकम टू जवेरिया साउथ, जन्नत एंड इब्राहिम। हाथों पे जब मेहंदी लगाए, लड्डू उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवाए, इसीलिए तो स्वीटी नखर दिखाए। इतनी क्यों नोटी है मुझे ये बता, बालों को ऐसे ना घुमा। मुबारक, आइए प्लेटफॉर्म पे आइए। बहुत आप प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। ईद मुबारक। आज लग रहा है मुझे ईद मुबारक। याद है कैसी दावत आपने अपने घर पे रखी थी, हम सब जमा हुए थे ईद मुबारक ईद पर। अच्छा ईद मुबारक। एक दफा तुम्हारे घर ऐसे जमा हुए थे साहब, एक दफा शबीर भाई के घर पे जमा हुए थे, एक दफा तुम्हारे यहाँ भी हम जमा हुए थे साहब, हम सब सब हुए थे, रैंबो साहब बनाए थे ना हम। हाँ, एक कमाल कोइंसिडेंस है ये सारी फैमिली में हमारी, कि हम सब दो हैं और हम सबके दो हैं। इत्तेफाक है, हम मैं तीन वाली हूँ। मैं तीन वाली हूँ भाई, माशाल्लाह। सो भाई तुम लोगों का क्या सीन है जन्नत? चार को तीन बोल दिए तुम, राशि को गिनी नहीं। हाँ ये तो मैं ये तो वो वाली बच्ची है ना, मुझे नहीं पहनने ज्यादा भरे हुए कपड़े। हाँ बस आज सुबह से ये यहाँ चुभ रहे हैं, यहाँ चुभ रहे हैं। हाँ और इब्राहिम फैशन वाले हैं ये भी मुझे पता है। बताओ क्या कहा था कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा कि मुझे ये नहीं पहनने पड़ेंगे शलवार कमीज। शलवार कमीज है ना, आपको हमेशा से यही पसंद है मुझे पता है, सूट आपको चाहिए, मैचिंग शूज। तेरे शॉर्ट नहीं पहन गया। अच्छा मुझे बताएं सऊद भाई, क्या इतना ही शौकीन जैसे आप बड़े होते हैं बकरे खरीदने के, उतना ही इब्राहिम भी है कि नहीं? इब्राहिम इतना नहीं है शौकीन, बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे जो है ये नई जनरेशन है, इनको मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्ट है इतना, और ये चाहते हैं कि बस आ ही जाए और खुद ही, मतलब जन्नत और ये तो अजीब हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। हालांकि उनको फिर बताते हैं कि माशाल्लाह से ईद है और ये हमारा एक फर्ज है, पूरा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो तुम्हारे लिए जब ईद होती थी तुम्हारे लिए जवेरिया क्या एक्साइटमेंट होती थी जन्नत और इब्राहिम को लेके, कि मैंने ये करना है ना? तुम्हें हमेशा से बड़ा शौक है ट्रेनिंग करने का। हाँ। और अगर मैं पुरानी तस्वीरें भी दिखाऊंगी, ये इनके साथ ट्रेनिंग नहीं, चारों ट्रेनिंग की है। हाँ। मरून कपड़े पहने, साउद भाई को भी मरून पहना। लेकिन अब सबने पहनने शुरू कर दिया, हमने कहा रहने दो। आप लोगों का ट्रेंड है नहीं, कभी अगर फर्ज करें इसने गोल्डन पहने तो आपको इसने कोई ऐसे कलर पे मजबूर किया? एक पिंक पे पिंक पे सिर्फ मैं, लेकिन वो मैंने इतना अच्छा पिंक था कि उन्होंने पहन लिया था। वो जब भी ये थाना आता था घर में सब बना लेते थे। बचपन से ही ऐसा होता था, कोई थान जब घर में आता था सब बना। सही कह रहे हैं, बचपन में हमने बहुत कपड़े पहने हैं, ये तो ट्रेडिशन है भाई, ऐसा होता है। सो आप इंजॉय करेंगे आज की ईद का दिन हम सबके साथ, फैमिली शो है, बहुत और इस ईद पे आने वाली है हम सब की फिल्म फनकार फैमिली, जरूर देखिएगा। हम तो ये देखते हैं ईद पे अपनी तरफ से, यही है एक छोटी कोई फनकार फैमिली फिल्म नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली भाई हमारी? आ गई हमारी फिल्म, लंदन नहीं जाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपकी फेवरेट फैमिलीज के साथ। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। तो अर्ज किया
जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। यार छड़ गया है। बंदा जबरदस्ती की शादी में कोड़ी तो चढ़ जाता है, शादी पावे मुंह के बल जा पड़े, बगैर मोहब्बत की शादी भी कोई शादी? निरी बेस्वादी, मेरी मंगनी ना कराओ अब्बा जी। मंगनी कैंसल, डायरेक्ट नकाह करा देते हैं ओ पति। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फेवरेट फैमिलीज के साथ, और सीरियसली ये तीनों कपल्स और इनकी फैमिलीज आपकी फैमिली हो चुकी हैं, क्योंकि आपने अगर फिल्मों में देखना हो, अगर ड्रामों में देखना हो, सो इनसे बेहतर नाम और कोई नहीं हो सकता। मेरे साथ इस वक्त मिस्टर मिसेस शबीर जान विद फैमिली हैं, मिस्टर मिसेस सऊद विद फैमिली हैं, मिस्टर मिसेस अल्लाह रैम्बो कहना अजीब लग रहा है, मिस्टर मिसेस रैम्बो कह दूं क्या कहूँ, एक पहचान रैम्बो साहिबा भी हमारे साथ है। हाँ, नहीं हाँ मिस्टर मिसेस रैम्बो साहिबा एंड फैमिली है ये कह सकती, क्योंकि आपको लोग रैम्बो के नाम से ही प्यार करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल है ना, फिर मैं अगर आपका नाम लूंगी तो सब कहेंगे सब जगह सऊद साहब, शब्बीर साहब, इधर रैम्बो साहिबा। भाई ऐसा तो होता है। सो आज ईद के दिन मेरे जो वीआईपी गेस्ट हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं ही, लेकिन मेरे जो ये प्यारे से बच्चे हैं ना, ये मेरे वीआईपी गेस्ट हैं आज के ईद के दिन, और सारे सवालों के जवाब आपने मैंने आप लोगों से पूछने हैं। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। हम फिर चले जाएं? नहीं नहीं, आप बैठिए और सुने। आप तो करीब है वैसे निकलने। भाई जब सच्ची बात ये है कि खास तौर पे बकरा ईद होती है और अम्मा अब्बा का ये फोर्स किया जा रहा होता है बच्चों पे कि ये वाली कलेजी खानी है, ये वाला मगज खाना है, गोश्त खाना है, तो आप कितने हद तक उनकी बात मान लेते हैं? सिर्फ ईद पे थोड़ी होता है, तो ये तो पूरा साल होता है। अच्छा, बाकी कोई अपनी डिशेस होती हैं स्पेशल, अच्छा उनके अंदर कोई खास ताकत, खुद बनाते हैं वो, खुद भी बनाते हैं। हाँ, खुद इन्होंने दराज में भी रखी होती है कुछ, मुझे तो नाम भी नहीं आता। दराज में क्या रखा होता है आपने? इनकी कुछ है, होती है डिशेस है जो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हाँ, तो वो हम ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है तो वो अक्सर होता है। मैंने देखा है बच्चों को नाक बंद करके खा रहे हैं और खिला रहे हैं जबरदस्ती। क्या खिलाते हैं आपको जबरदस्ती? सब कुछ ही खिलाते हैं, ये समझते हैं मैं खाता ही नहीं हूँ कुछ। अच्छा, वो माशाल्लाह तुम्हारी फिजीक है ना ऐसी जरा, तो ये सब कुछ ही खिला जबरदस्ती करके। और अम्मा नहीं करती किसी चीज में जबरदस्ती? करती है, वो भी करती है, करती है। अच्छा, यहाँ मैं अब आप दोनों के बच्चों से, जवेरिया और सऊद के बच्चों से पूछूंगी। देखो खाने की बात मैंने उनसे पूछी, लेकिन आप दोनों से ही पूछूंगी कि खास तौर पे जवेरिया, जो मैंने अक्सर तस्वीर देखी है कि खास तौर पे कपड़े झिलमिल और ये सारी एक तैयारी करती है, वो एक एहतमाम करती है, सो क्या जन्नत और इब्राहिम को चिड़ होती थी कि मेरे पजामा क्या पहना रही है, टाइट हो रहा है, फंस रहे हैं, चूड़ियाँ क्यों पहना रही हैं? हाँ, हुआ ये कभी ईद पर ये बहस? अब्बू ने बचाया फिर? नहीं, अब्बू भी बचाने नहीं आते थे? क्यों भाई इब्राहिम, आप कह रहा है ना क्या करे? बताओ ना फिर क्या होता है, बात करो ना बेटा। मामा शलवार कमीज देती हैं जो मुझे पहनना नहीं अच्छा लगता, और फिर वो बार बार पूछती रहती कि टाइट है या नहीं है, एक मिनट रहते हैं ईद होने में, लेकिन वो फिर भी ये नया ले लेती हूँ जबकि कोई टाइम नहीं होता। मैं उनको बता देता हूँ सही, लेकिन बात नहीं सुनती, टाइट है ना, बोला नहीं है, अच्छा टाइट है, बोला नहीं है, सुनती नहीं है। और जन्नत आप बताओ, जो मम्मा ने बनाया है वो पहनना ही पहनना लाजमी है, पिक्चर नहीं खराब करनी, कोई एक ब्राइब करती है, कोई लालच देती है कि ये पहनोगी ना तो फलानी चीज दिला के दूंगी? नहीं, डांटती है। अच्छा, वो रोब है ना, आप वो वाली बेटी नहीं हो, आपको क्या पता, आपको क्या पता आजकल क्या फैशन? वो कहती है मुझे मामा बहुत फैंसी है। ये मेरी बेटी भी कहती है। तो सऊद भाई, आप अक्सर सपोर्ट जवेरिया को करते हैं इस मामले में या जन्नत को करते हैं? क्योंकि इनका भी यही हाल है, इनके लिए कुछ लेकर आते, कहते हैं कि ये चुप रहा है, वो चुप रहा है। चेन बैठी हुई है ना बच्चों की, इंक्लूड आपके बच्चे, ये दूसरी ली गई है। अब हम लोग वो नहीं है जो हम कहते थे ना, इनका अपना स्टाइल है, अपनी सोच है और अपना अंदाज है,
तो अब जरा से ना इनकी बिल्कुल चेंज होगी लाइफ, और हम मैं ये कहता हूँ कि जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहें, वैसे रहें आजादी, तो डिस्टरबेंस ये मुझे कहते हैं कि थोड़े दिन तक तस्वीरें खिंचवा लें। हाँ, मैं ये कहती हूँ तस्वीर बनवा लेना, और जैसे ही नानू के घर पहुँचेंगे या कहीं पे भी जा रहे होते वहाँ पहुँचेंगे उसके थोड़े बहुत कपड़े चेंज कर लेना, यही यादें होती हैं। अब अगर मैं तुम दोनों से पूछूँ, तुम दोनों खाने और कपड़े दोनों के मामले में किस तरह बहस चलती है, या आप लोग कहते हैं आप लोगों को क्या पता हम बताते हैं आपको आप ये पहने आप ये पहने, अब तो आप लोग ये कह सकते हैं। आई थिंक कि मैं खाने में बहुत पिकी हूँ, वाबा को ही महज कलेजी सब चीज़ें ईट बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। जब प्यार से खिलाते हो तो मैं खा लेती हूँ, मगर वैसे शौक से नहीं। अच्छा, इन कपड़ों के मामले में मैं वो चीज़ पहनना चाहती हूँ जिसमें आई फील गुड, आई फील कम्फर्टेबल। तो मम्मा अगर कुछ लाए भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वापस होता ही होता है। अरे बाप रे, और अर्दिल आप शरीफ वाले बच्चे हो जो मम्मा ले आई पहन ली। हाँ यही होता है ज्यादातर, लड़के इतना तंग नहीं करते, मुझे ज्यादा शॉपिंग का भी शौक नहीं है। हाँ। तो जो मम्मी ले आती है पहन ली। हाँ। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जब ये लोग छोटे छोटे से थे और कोई भी बात जब ये घरे बोलते नहीं थे, इशारों से और अपने एक्शन से समझाते थे, दोनों में से ज्यादा कौन जल्दी जल्दी समझ जाता था कि ये क्या कह रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, क्यों जिद कर रहे हैं? अभी इतना भी फ्लैशबैक नहीं, रैम्बो भाई सोच रहे थे। नहीं, नहीं, मैं तो थोड़ी छोटी थी ना, ये थोड़ी नानी टाइप हो मैम। मैंने अपने भांजे पाले हुए थे, मुझे पता था। हाँ। मुझे जल्दी पता चल गया। अच्छा, यानी बच्चों की जो भी ख्वाहिश है दिल में जबान से नहीं, वो आप जान समझ आते नहीं, वो जो नानी अम्मा के टोटके टाइप है ना। हाँ। वो ये इनको पता था कि दांत निकल रहे हैं, सुहागा मिलाओ शहद में और लगाओ मखूड़ो, सर सर के नीचे वो रखना है ताकि गोल बने, सारी चीजें ये उन्होंने मुझे बताया। वाह 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 वाह, एक नानी अम्मा से मुलाकात कीजिए। और आप दोनों में कौन ज्यादा पता लगा लेता था कि इब्राहिम को क्या है, जन्नत को क्या है? मुझे, मैं सिर्फ टेंशन लेता था और ये जवीर ही बता देता। हाँ, और कुछ नहीं भी होता तब भी टेंशन ले रहे होते थे। अच्छा। हाँ, मतलब जन्नत जब छोटी सी थी तो 3 महीने की होगी, या बस शुरू से ही था वैसे तो इनके साथ ये प्रॉब्लम, तो रात को सोते नहीं थे, बार बार उठ के कंबल इसके मुंह पे आ जाएगा तो इसको सांस नहीं आएगी। अरे मैंने कहा भाई कंबल मुंह पे आएगा तो लात मार के हटा देगी, छोड़ दे उसको। सोने नहीं देते थे, बार बार उठ के कॉट में झांकेंगे, कंबल जवीरिया देखो फिर कंबल मुंह पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होता कंबल मुंह पे आ रहे से सऊद। बहुत तंग किया है इन्होंने। जिस स्कूल में एडमिशन होता तो पहले स्कूल का पूरा जायजा पूरा मुआयना करके आएंगे, पूरा स्कूल दिखता था, पूरा स्कूल दिखाओ मुझे सिक्योरिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, होना चाहिए ना। और उसके बाद केस नहीं करवा रहे यहां पे। हां हां, इतने अच्छे अच्छे स्कूल। हां, इन्होंने कहा नहीं वो घर से दूर है, जो घर के बिल्कुल करीब होगा वहाँ कराऊंगा। अच्छा पहले दिन जब स्कूल लेके गए, पहले दिन स्कूल लेके गए ना, तो अक्सर ये होता है कि बच्चे रोते हुए भाग रहे होते हैं ना, तो जिन्हें तेरी चाचा बाय बाय, वो अंदर चली गई, अब ये बाहर ये रो रहे। नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं, गाड़ी में बाहर बैठे बार बार, मैं कह रही हूँ सो घर चले, खुद भी 3 घंटे बैठ रहा, मुझे भी बिठाए रखा, और बार बार ना गेट खोल के वो उसको चौकीदार को, भैया जरा बच्ची देखो रो तो नहीं रही, उसने कहा भाई आप चले जाए, और जब बच्ची के जाने का टाइम है तो कहती मैं भी नहीं जा रही। यहाँ उल्टा ही सीन हुआ। ये उल्टा सीन था। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं यशमीरा और अर्दिल के बारे में कि इनकी बिन कहे चीजें दोनों में से कौन ज्यादा अंडरस्टैंड कर जाता, यही करती थी ज्यादा। हाँ आप नहीं इतना पता लगा सकते थे, कभी कभार होता है ना, बताती थी मैंने, बता ये मुझे बता रही थी, मैंने कहा अच्छा छोटी। अभी जो मैंने अपने बारे में बताया ना समझ नहीं, वो ही है सब। हाँ मैं भी ये कहने वाली थी। यही मैं कहने वाली थी कि जो सऊद ने बताया कि मैं घबराती, मैं भी ऐसी स्कूल में बैठी हूँ तो बैठी हूँ, अब वो स्लीप ओवर होता है वहाँ पर स्कूल में इनके, तो वहाँ अब मैं भी अंदर बैठूंगी, वो कह रहे हैं बच्चों का है आप तो जाएं। नहीं मैं यही बैठी हूँ सुबह तक। नहीं मैं बेंच पे बैठी हूँ, आपको नहीं नहीं आप तो जाएं। अच्छा बच्चे आगे चलिए, मैं यानी जल्दी चलेंगे। अच्छा पता है आपको क्या करने वाले हैं अभी, हम बहुत मजे का ये सेगमेंट है। हाँ बहुत मजा आएगा, पहले कभी नहीं हुआ। अब होगा ये, आपके सबके दो दो बच्चे हैं, सही है, आपके सामने आपके दोनों बच्चों की आवाजें हमने मिक्स करके कुछ ऐसा खिचड़ी पकाई है। अच्छा आप लोगों का जानना ये कह क्या रहे हैं ये दोनों, अलग अलग कुछ ख्वाहिशात है, फरमाइशें हैं, कुछ भी जो भी है वो आप वाइस वर्सा आप लोगों ने भी ऐसी करना है, हमने जन्नत और इब्राहिम की भी आवाज़ मिक्स करके कुछ घोटाला बनाया है, अब समझना है आप लोगों को ही
कि ये क्या क्या रहे चलो ये सेम आप दोनों के बच्चों का साथ नया अब वो पता ही चला हमने ये काम कर लिया अच्छा जी देखते ये तब हुआ जब मेकअप हो रहा था मेकअप रूम में तैयारी हो रही थी गप्पे लग रहे थे छुपके से हमने बच्चे गायब किए और ये कारनामा सर अंजाम दिया तो आइए भाई समझना है कि बोल क्या रहे हैं समझना है कि अपने अपने बच्चों की बात कि वो बोल क्या रहे हैं अच्छा आज आपने हमें इकट्ठा नहीं किया माशाल्लाह हम पिछले कोई 18-19 साल से इकट्ठे हैं हाँ। सब बच्चे हमारी आंखों के सामने, सामने बड़े, हुँ, बड़े, हुँ, बड़े हुए हैं हाँ। और आज अर्दिल को माशाल्लाह वहाँ बैठ के सुन के मुझे शबीर भाई यकीन नहीं आ रहा ये वही वाला बच्चा है माशाल्लाह एक बात और थी ना हम लोग पाक विला कर रहे थे तो जन्नत यशवीरा इब्राहिम तो खैर बहुत छोटे थे इब्राहिम ये लेके डॉलमेन चले जाते थे अच्छा डेली का था बेचारे हाँ, सऊद का जाहिर है हम सब काम कर रहे थे ये लिखती भी थी तो जब मैं जवेरिया के बहुत रही है ना यशमीरा अच्छा तो जब ये मैं आती थी कहीं से भी इसको लेने कुछ तो सऊद कहते बाजी पता ही नहीं लगता यशमीरा आई है कि नहीं आई है अच्छा? तो इसको मॉल लेके जाओ पता है इतनी प्यारी बच्ची है और मैंने कहा हर दिल तो गुलशन से पता लगता है और अर्दिल को मैं क्या कहता था पता है नहीं शब्बीर भाई नहीं हाँ भाई शुरू करें आवाजें रेडी हैं आप लोग ओके ऑडियो मामा मुझे आज आलू चौंवाली बिरयानी हलीम नहीं दोबारा एक दोबार सुना दो एक दोबार सुना सकते मामा मुझे आज आलू चौंवाली बिरयानी हलीम नहीं एक बच्चे की आवाज है दोनों की मिला के अब जन्नत ने क्या कहा है इब्राहिम ने क्या कहा है बिरयानी वाली बात तो जन्नत कह रही है कि मुझे बिरयानी आप हलीम सुनाई दिया हलीम नहीं बिरयानी नहीं आलू चिकन में आलू चिकन नहीं बिरयानी आलू चिकन इब्राहिम मांग रहे हैं और बिरयानी जन्नत मांग रही है दुरुस्त और यस और नो हलीम यस और नो ओके दोनों यस कह रहे हैं हम इंडिविजुअल आवाजें सुनाते हैं सुनाए मामा मुझे आज मिर्चों वाली बिरयानी खानी है थोड़ा समय हो गया मामा मैं आज आलू चिकन खाऊंगा हलीम नहीं ओके अब जो नेक्स्ट है वो भी आपकी आपके बच्चों की जवेरिया और सऊद के बच्चों की ओके रेडी गेट सेट गो इब्राहिम जन्नत आपने मेरा आईपैड छुपा लिया जन्नत आपने मेरा आईपैड छुपा लिया और जन्नत क्या कह रही है शर्ट आई थिंक इब्राहिम जन्नत आपने मेरा आईपैड छुपा लिया इब्राहिम ने सारी शर्ट गंदी कर दी शर्ट चोरी एक दफा और सुनाइएगा इब्राहिम जन्नत आपने मेरा आईपैड छुपा लिया मेरी शर्ट चोरी कर ली शर्ट चोरी कर ली ओके क्या कौन कह रहा है शर्ट चोरी जन्नत कह रही है आईपैड का इब्राहिम कह रहा है कि वो छुपा देती है इसका आईपैड क्या ये सही जवाब है कि गलत जवाब है जन्नत का सही दिखाएं इब्राहिम ने मेरी सारी शर्ट चोरी कर ली मामा जन्नत आपने मेरा आईपैड छुपा लिया सही जवाब इब्राहिम को समझ में आ रहा है जन्नत बदल हां दोनों सही हुए ओके अब बोल रही हैं अब तीसरी ओके आप लोगों के बच्चों की कितना बोल रहे हो तुम लोग मुझे गेम्स के लिए पैसे चाहिए दोबारा मामा मुझे गेम्स के लिए पैसे चाहिए मुझे एल्बम के लिए पैसे चाहिए मुझे गेम के लिए पैसे चाहिए नहीं गेम बोला है गिफ्ट नहीं बोला गिफ्ट कहाँ बोला है गेम बोला इब्राहिम गेम के लिए पैसे चाहिए सऊद वो नहीं वो ही बात करते हैं वो सोचे ना वो एल्बम के लिए पैसे मांगती है पैसे चाहिए समझ में आया है और ये गेम के लिए मांगता है क्या ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं दिखाएं जरा भाई मुझे एल्बम के लिए पैसे चाहिए मामा मुझे गेम्स के लिए पैसे चाहिए अभी तक म्यूजिक एल्बम चाहिए अब ये आखिरी वो है अगर आप समझ गए तो जबरदस्त रेडी मामा मुझे सलवार कमीज नहीं पहननी सलवार कमीज नहीं पहननी इब्राहिम को साफ आ गया सलवार कमीज नहीं पहननी चुभने वाले कपड़े या फिर फैंसी कपड़े दोबारा बना मामा मुझे सलवार कमीज नहीं पहननी कपड़े नहीं पहनने ओके जन्नत कह रही है कि मुझे चुभने वाले कपड़े नहीं पहनने और वो कह रहे हैं मुझे सलवार कमीज नहीं पहननी क्या ये दुरुस्त है मुझे चुभने वाले कपड़े नहीं पहनने मामा मुझे सलवार कमीज नहीं पहननी ओके जन्नत चुभने वाले कपड़े नहीं पहननी लास्ट है अच्छा भाई एक और रह गया हाँ भाई आपकी पास जा रहे हैं हम आपकी फैमिली चलो रेडी है आप दोनों ओके यशवीरा और तुम लोगों ने ना अर्दिल
Yes or no? क्या बोला बेटा बताओ? नहीं. Okay, ready हैं आप लोग? पहली आवाज. अम्मा इनको बोले मेरे मामले में नहीं बोला करें. मुझे नहीं लिया करें. अम्मा इनसे कहें कि मेरे मामले में नहीं बोलें और वो कह रहे हैं इनसे कहें मेरे कपड़े ना पहना करें. मेरे शर्ट. हाँ. कौन पहन रहा है कपड़े किसके? नहीं नहीं ये कह रहा है मेरे मामले में. एक बार दोबारा और सुनाएं. हाँ सुनाएं. अम्मा इनको बोले मेरे मामले में नहीं बोला करें. मुझे नहीं लिया करें और मेरे चीजें मेरे से बगैर पूछे नहीं लिया करें. यशमीरा वो कह रहे मेरे मामले में ना बोला करें. क्या ये सच है? हाँ दिखाए भाई. अम्मा इनसे बोले कि मेरी चीजें मुझसे बिना पूछे नहीं लिया करें. मम्मा इनको बोले मेरे मामले में नहीं बोला करें. ओके बिल्कुल सही. लाइए एक सेकंड. अम्मा मैं उम्र में इनसे ये बहुत देर तक बाहर रहते हैं लेकिन मैं क्यों नहीं रह सकता. फ्रीडम नहीं था. अम्मा मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ. एक बार और सुनाइए. अम्मा मैं उम्र में इनसे ये बहुत देर तक बाहर रहते हैं लेकिन मैं क्यों नहीं रह सकता. फ्रीडम नहीं था और मैं इतनी देर बाहर ये रहता हूं. पूरा जुमला बताएंगे. ये कह रहे मम्मा ये उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं. नहीं 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 मैं इनसे उम्र में बड़ा हूं. इनसे के मेरे मामले में बोले नहीं नहीं ये नहीं है. हां हां एक बार और सुनाइए जी प्लीज. अरे यही है. नहीं है ना. अक्सर यही लड़ाई. उम्र में इनसे बहुत देर तक बाहर रहते हैं लेकिन मैं क्यों नहीं रह सकता. नहीं था. यशमीरा कह रही मैं इतनी देर तक बाहर रहते मैं क्यों नहीं रह सकती. ओके और वो क्या कह रहे हैं अर्दिल? मैं इनसे उम्र में बड़ा हूं मैं बाहर रह सकता हूं. नहीं नहीं मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ मेरे मामले में नहीं बोले बस. बताओ गलत है कि सही है? यस. नहीं है गलत है. चलो भाई इंडिविजुअल आवाज सुनाओ. मम्मा ये बहुत देर तक बाहर रहते हैं लेकिन मैं क्यों नहीं रह सकती. सही है. चलिए यशमीरा का सही है. अर्दिल का सुनाओ. उम्र में इनसे बड़ा हूँ ना इनकी उम्र में मुझे इतना फ्रीडम नहीं था. बस तो नहीं गलत है. इनकी उम्र में मुझे इतना फ्रीडम नहीं था. चले चले ओके ओके एक रॉन्ग. आइए जी अगला. बाबा इनको बोले कि मेरे हेडफोन नहीं लिया करें. इनसे कहें कि मेरे हेडफोन नहीं लिया करें. दोबारा सुनाइएगा. बाबा इनको शर्ट्स भी तो लेती हैं. हेडफोन नहीं लिया करें. ये मेरी शर्ट्स भी तो लेती हैं. ये मेरी शर्ट्स भी तो लेती हैं. अर्दिल ने ये कहा है हेडफोन नहीं लिया करें और शर्ट्स भी तो लेती हैं. सही है कि गलत है? यस. बाबा इनको बोले कि मेरे हेडफोन नहीं लिया करें. बाबा ये मेरी शर्ट्स भी तो लेती हैं. वाह हमारे बच्चे तो फुल एक्टर हैं भाई. ओके थर्ड. अम्मा मुझे पैसे चाहिए मुझे दोस्तों में जाना है. अम्मा मुझे पैसे चाहिए मुझे दोस्तों में जाना है. अम्मा मुझे पैसे चाहिए मुझे खाना मंगाना है. वाह जबरदस्त. अम्मा मुझे पैसे चाहिए मुझे दोस्तों में जाना है. बाबा मुझे पैसे चाहिए खाना मंगवाना है. वेरी गुड ये तो वन टेक. आगे भाई. अम्मा मुझे तो आलू के साथ आलू के बगैर मुझे आलू के साथ मुझे आलू के बगैर नहीं मुझे यहाँ पे बिरयानी चाहिए आलू के बगैर. कौन कह रही है? नहीं नहीं हाँ यशमीरा. यशमीरा कह रही है मुझे आलू के बगैर बिरयानी चाहिए. और अर्दिल क्या कह रहे हैं? मुझे आलू के साथ चाहिए. ओके क्या ये दुरुस्त है? सही जवाब. बिरयानी खानी है आलू के बगैर ना. अम्मा मुझे तो आलू के साथ ही चाहिए. गुड गुड गुड. 4.5 जवाब दुरुस्त है आपके. 4.5. अब रेमबो साहिबा आप लोगों की बारी है. चलो भाई. मामा सुबह नाश्ते में जरा नली ने हरी बना ले. एक कह रहा है जी सुबह नली ने हरी बना दे. और दूसरा और एक कह रहा है नाश्ता लाइट चाहिए. दोबारा सुनाओ. लाइट कह रहा है कौन? नली ने हरी कह रहा है. मामा सुबह नाश्ते में जरा नली ने हरी बना ले. नली ने हरी ये कह रहा है लेकिन दोनों की आवाजें मिक्स हैं. ये कौन? ये एहसन कह रहा है नली ने हरी बना ले. वो कह रहा है नाश्ता लाइट. जैन कह रहा है नाश्ता लाइट. इज इट ट्रू? लेकिन आवाज दोनों की एक जैसी है. नली से पकड़ा है कि यही खा रहा हूँ. हाँ यही तो है ना. आवाजें दोनों की. मामा सुबह नाश्ते में जरा नली ने हरी बना ले. मामा कुछ भी लाइट सा बना दे. क्या वैसे वाकई दोनों की सेम आवाज? दोनों की एक जैसी. वो आप पहचान ही नहीं पहचानी जाती. इसलिए वो तो दोनों लड़का लड़की है ना बेटा बेटी. क्योंकि मुझे जब भी मैं फोन करता हूँ ना तो मुझे मैं समझता हूँ उसका फोन क्यों उठाया. कहता है बाबा मैं बोल रहा हूँ. अल्लाह दिखाए भाई दूसरी आवाज. अम्मा इसने मेरा गिटार ले लिया है. इसने मेरा गिटार ले लिया है. अम्मा इसने मेरा गिटार ले लिया है. एक गाड़ी है गिटार है. क्या है क्या बोल रहे हैं? अम्मा इसने मेरी गाड़ी. इसने मेरी क्या? अम्मा इसने मेरा गिटार ले लिया है. इसने मेरा गिटार ले लिया है. जैन ने कहा है और ऐसे ने कहा इसने मेरी गाड़ी ले ली है. सही जवाब है यही है. ओके जैन मेरी गाड़ी ले गया. अम्मा ऐसे मेरा गिटार ले गया. ओह गुड गुड गुड. हाँ भाई अगला. अम्मा आपके पर्स से पैसे मैंने ले लिए थे. पैसे चाहिए.
सकता है। जैन कह रहा है मुझे पैसे चाहिए, एहसन कह रहा है मैंने पर्स से निकालनी है, क्या ये सही है? हाँ जैन याद ही नहीं है कह रहा है, कह रहा है मुझे याद नहीं आ रहा। तुमने लिख के दिया जुमला? नहीं नहीं मुझे समझ ही नहीं आई, पहले दोबारा कर लें, दोबारा कर लें, दोबारा सुनाए। अम्मा मुझे पैसे मैंने ले लिए थे, पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मतलब सही बोली हो तुम, मैं यही हैरान हो रहा हूँ कि तुमने लिख के दिया। सर जी ये सारे काम मैं ही करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे। लेकिन आपने गड़बड़ की है, मैं आपको सुनाती हूँ। पूरी बात नहीं पकड़ी है, पूरी बात नहीं। अम्मा आपके पर्स से पैसे मैंने ले लिए थे, अम्मा मुझे ग्लोरिया के लिए पैसे चाहिए। ग्लोरिया गायब हो गई थी, ग्लोरिया समझ नहीं आई है कि लफ्ज नहीं, उसे वो पैसे मांगता है, चाहिए होते हैं। असल में मेन बात तो ये ना, वो पैसे निकाल लेता है कि मैंने निकाल दी। अच्छा असल बात वो मांगे बगैर नहीं करता कुछ, ये करके बताता है। वो ज्यादा पैसे खर्च करता है, हमें याद हो गया। नहीं वो लेके कहता है मैंने ले लिए थे, ये हो गया है। दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी है ना, जाहिर है। हाँ भाई अगला। ये बेचारा बैठा रहता है, आएंगे तो मैं पूछ के लूंगा। ग्लोरिया हमारी बिल्ली है, ग्लोरिया बिल्ली है। हाँ अगला। बाबा जैन को कुछ नहीं कहते हैं, बाबा जैन को कुछ नहीं कहते। हाँ बाबा जैन को कुछ नहीं कहते हैं, एहसन को बाहर रहने देते हैं। क्या कह रहे हैं एहसन ने, क्या कहा जैन ने, क्या कहा ये बताइए ना। एहसन ने जैन को कुछ नहीं कहते, एहसन ने कहा है, और जैन ने कहा है कि एहसन को ज्यादा देर बाहर रहने देते हैं। क्या ये दुरुस्त है? ओके सही, दिखाएं सुनाएं। बाबा जैन को कुछ नहीं बोलते आप, पापा आप इनको देर तक बाहर रहने देते हैं। सही जवाब। ओके लास्ट। ठीक है मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, और दोबारा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। दूसरे की समझ ही नहीं आ, सुनो बस। ठीक है मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, मैं कहां जाता हूं, मैं तो मैंने तो सुन लिया। ठीक है मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, दूसरी आवाज ही नहीं आ रही दोबारा। ठीक है मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। जैन मैं हसनैन की तरफ जा रहा हूं। नहीं नहीं क्लोज, एक और गेस। मॉल टाउन जा रहा हूं। नहीं 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 नाम को ही आपने चेंज ले लिया। हां इतना थोड़ी बता। अच्छा एक दफा रिपीट करें, चलिए बस लास्ट दफा। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। हार मानी? हाँ जी मान ले। लाइफ में मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। एक पिंडी बोला और एक इस्लामाबाद बोला, मुझे ऐसा। मैं हाजी के घर जा रहा हूं। हाजी? अच्छा किसके घर? हाजी हाजी दोस्त। ओके सो यहां जवेरी और सल जीत गए भाई, इन्होंने बच्चों को पकड़ लिया। हालांकि उनकी सबसे ज्यादा मिक्स आवाज थी। इब्राहिम कभी भी शर्ट छुपाते ही नहीं जन्नत की। नहीं मैं वही लेता हूं। हैं ले ले ये नहीं, ये मस्ती ये मजा किसी तरह रहेगा। एक छोटे ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। प्यार को आप जानते नहीं हो जमील साहब, नहीं होता तो लगता है होगा ही नहीं, लेकिन जब होता है तो मंगने वाले दिन हो जाते। प्यार करना आता है मुझे, करके दिखाऊंगा। जिससे मोहब्बत करनी पड़े उससे कभी मोहब्बत ना करो। पंचायत की भी यही मर्जी है कि उनके सामने आप हलफ उठाओ कि आप लंदन नहीं जाओगे। मैं हलफ देता हूँ मैं लंदन नहीं जाऊंगा। मानू ना तेरी बत्तियां। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। तीन खूबसूरत फैमिलीज मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और ईद होता ही फैमिली गेट टुगेदर का दूसरा नाम है। यहाँ मैं इन तीनों फैमिली से कुछ सवाल करूँगी, और ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है ये लिखा हुआ है। सही है, ये वो सवाल है जो मैं आपको सोफे पे बिठा के भी कर सकती थी, लेकिन सजा के तौर पे खड़ा ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे लगता है कि भाई इतने एक्टिव लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ऐसे बिठा बिठू के थोड़ी काम होता है, मजा आता है जब भी आप लोग आते हैं। और क्या एक्टिव होते हैं। जो जो सवाल करूंगी ये भी कुछ था। अच्छा जो भी सवाल करूंगी उसमें आप लोगों ने करना ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा फजूल खर्च कौन है, तो खुद ही ईमानदारी से अपने आप को ग्रेड दे दीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबने अपनी अपनी फैमिली। सही है, अपनी अपनी फैमिली। सबसे ज्यादा कंजूस कौन है वो भी अपनी अपनी फैमिली। मतलब आप खुद करनी है साहब, आप एक नंबर पे खड़े रहे।
अच्छा जी पहला सवाल, पहला सवाल मेरे आप तीनों फैमिली से ये है, फैमिली में सबसे ज्यादा सोतू कौन है कंपैरेटिवली उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड सबसे ज्यादा सोतू कौन है? सोतू सोतू छोटा है ये ना, जब मौका मिले सो जाओ, जब मौका मिले सो जाओ। आप भी आइए आपस में खुद एक दूसरे को घसीट में रहिए, लगता नहीं आप लोग सेकंड नहीं सारे एक पे पीछे जाना है। शब्बीर है सबसे ज्यादा, क्या कर लिया दिल के काम में, कोई भी नहीं सोता, कोई भी नहीं सोता, हम चारों में से कोई नहीं सोता। नहीं हम थर्ड है, इस फैमिली को देखे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं है। ये आप लोग क्या रात को जागते हैं, कब जागते हैं? हर वक्त ये मेरे दोनों बच्चे ना बचपन से तो जब ये छोटे थे तो 4 या 6 घंटे सोते थे, अब तक वही हाल है, इससे ज्यादा नहीं सोते। अब मैं जाती हूँ दूसरी फैमिली की तरफ, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो है साहिबा और आप दोनों जो है बिल्कुल कम सोने वाले, बहुत कम। हाँ शौक ही नहीं है। नहीं उनको तो बुढ़ापे की वजह से नहीं आती। तो तुम दोनों को फिर ये तो चारों उधर है। बात सुनो, उन्होंने बच्चों भी असर डाल दिया। वही मैं कह रही हूँ, हमारा असर इनमें भी हो गया बुढ़ापे का असर, तुमने अपना असर बच्चों में भी डाल दिया। वैसे मैं एक बात बताऊं, साहिबा का ये सब बैठे में बातें कर रहे हैं ना, अच्छा भाई मैं तो सोने जा रही हूँ। अच्छा तुम क्रीम पे आओ, क्रीम में लगा के मैं जा रही हूँ। कह रहे हैं आपको मन पे आ रहा है, मन पे आओ साहिबा, पापा का ये जाते नहीं है वहीं पे सो रहे होते। ओके भाई मैं तीसरी फैमिली का देखती हूँ। सो ये हमारी कैटेगरी है भाई, जैसे अर्दिल नंबर 1 पे सो, तू कितने घंटे सोते हैं अर्दिल? माशाल्लाह बस ना पूछे, जागते कुछ घंटे, जागते कुछ घंटे, स्लीप इज वेरी, सोने के लिए जागता है। नहीं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, बच्चे अब रातों को नहीं सोते, ये सोता है रात को बहुत कम, बहुत देर से दिन में सोते हैं। हाँ और शब्बीर भाई ज़ारे काम करते हैं तो किसी वक्त भी सो जाते हैं, इसी वक्त और किसी जगह कहीं भी वो सो रहे होते हैं। हाँ काम पे भी जाके सो रहे होते हैं। हाँ तो जब काम नहीं तो सो जाओ। हाँ सही है, इससे बेहतर है गॉसिप करो सो ना जाओ और क्या। अच्छा ये सबसे कम किस होती है तुम्हारी अम्मी भाई? ये हमारे घर में लोड शेडिंग है। नहीं मैं सुबह 5 बजे नमाज पढ़ के जो सोती हूँ, हाँ। फिर मैं 11 बजे, फिर 10:30-11 है। लेकिन आपका फिर भी स्लीपिंग स्पैन इनके मुकाबले में बहुत आराम से सोती हैं, लाइक होते हैं ना कुछ लोग लाइक बहुत लाइट स्लीप करते हैं, लाइक आराम से उठ जाते हैं कुंडी के, बिल्कुल 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 वैसा ही है कि मतलब इनके करीब से गुजर जाओ तो ये अच्छा इधर भी यही हाल है वैसे, जरा समय ये टेबल पे से कुछ अरे बाप रे एक सेकंड और एक्शन सुन लो कैसे तुम कैसे ये ऐसे यूं जाती हैं। हाँ ये जा ही ना, ये चल ही रही है ऐसे, ये कभी ये तो जिंदगी में ऐसे नहीं कर, ये ऐसे चल ही ना जाए। ओके नेक्स्ट सवाल। अच्छा जी सबसे ज्यादा तीनों फैमिली से सवाल है, सबसे ज्यादा बोल कौन सकता है? आइए फरीदा, आइए 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 प्लीज, ये लो मैं यहाँ पे हूँ भैया, यहाँ पे तो मेरी बेटी यहाँ पे होंगे, अच्छा भाई। ओके यार रैम्बो भाई जी सबसे ज्यादा तो कर, ये तो वाजे है साहिबा और रैम्बो के मुकाबले में आप गपूड़े हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा। फिर उसके बाद ऐसे का नंबर आता है, आ जाओ ना यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ बेटा आ जाओ, मुझे बोलना देखो खुद माननी हूँ। और आप सबसे कम बोलते हैं? सब दुनिया हमेशा से हमेशा से, लेकिन फ्रेंड्स में ज्यादा बोलते हैं, लेकिन फैमिली में बहुत कम। और ऐसे अच्छे गप्पे लगाते हैं बैठ के अम्मा अब्बा के साथ, पॉइंट बंद रहा हूं वहां देता हूं, वो कोई टेंशन नहीं, नहीं। यहाँ जरा देखते हैं भाई, ये तो पूरी फैमिली ने पकड़ के अम्मा को नंबर 1 पे डाल दिया सबने, वही से जैसे आपने अनाउंस किया। अरे आज को सोतो में जिसकी कान में आवाज आ रही हो सोचे आप, अरे नहीं हमें आती है नींद में, तो ये बोलते हैं पैसे बांट रहे होते हैं ठक ठक ठक, ये तो अच्छी बात है, शहंशाह शहंशाह, कभी गुरूर भी नहीं किया खुदा ही अच्छा, कभी पैसे भी नहीं दिए। मैं हैरान हूँ कि अर्दिल सबसे कम बोलता है। जी जी अर्दिल आप जब तुम मेरे शो पे छोटे थे जब आए, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमें यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा मैं तो उसमें तो यश्मीरा नहीं बोलती थी, तुम इतना बोलते थे चटर पटर, वक्त बदल गया बेबी। नहीं
अच्छा। बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन मसला है कि ये इसके इंटरेक्शन हम सबसे बहुत कम रहती है, तो हम यही कहेंगे निशीदा, मैं और शब्बीर, अर्दिल को तो बुलाना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है कि आओ बेटा ये बात करनी है। अच्छा, ये दो बातें हुई, चार बातें हुई, हो गया, मैं तो इसलिए नहीं बैठता। और यहाँ पे जवेरिया सब जानते हैं भाई, बिल्कुल ये नहीं नंबर आरोप के मोहताज नहीं, सॉरी नंबर वन से कोई नंबर है उधर खड़ा करो। यार वैसे रमो साहब जी, आपने औरत की जगह लेके अच्छा नहीं किया। सही बात है। नहीं वो प्रोग्राम की शुरू में बताया था कि नानी के अंदर जन्नत जब से छोटी है तब से ही कम बोलती है हमेशा से। नहीं बचपन में तो बहुत बोलना सीखा था, जब बहुत बोलती थी। लेकिन जब मेमो अंकल, हाँ अपनी अम्मी को देखा चुप हो गई। लेकिन जन्नत से अगर आपने किसी चीज पे बहस करनी है ना, डिबेट अगर आप कर रहे हैं तो उसके पास बहुत अच्छी लॉजिक, फिर तो चुप सब हो जाते हैं, फिर यही बोलती है। अच्छा चुप करवाती है यानी, करवाती मगर वो बहुत। और ये साथ मैंने चुटकुले, हाँ जन्नत आप ये वाली बात भी बोले, याद दिला रहे होते हैं, रिमाइंडर दे रहे होते हैं। एजुकेशनल या कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें होती है ना, वो जन्नत से आधे घंटे बाद। वैसे हमारे बच्चों ने हमें देख देख के सपने, हम इतना बोलते हैं, बेचारों ने सोचा कि कितना कितना बोलते हैं ये, तो सबके बच्चे कम बोलते हैं, सही बता रही हूँ। ओके अगला सवाल, ये नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्च करने वाला है पूरे फैमिली मेंबर्स में? अर्जुन भाई, चैंपियन है ये भाई, एक होता है खर्च करने वाला, एक होता है करवाने वाला, मिक्स कर लें इसको। हाँ मिक्स कर लें, मैं तो चौथे नंबर पे हूँ। हाँ करवाने वाला खर्च कौन करता है? आप तो नहीं, आप से बड़ा ये लड़ा है आप। नहीं उधर फजूल खर्च की बात हो रही है या खर्च करने की या फजूल खर्च की बात? मतलब खर्च करने की ज्यादा। अच्छा सही, ज्यादा बिला वजह खर्च करते हैं, बिला वजह कह लें या वैसे भी कह लें, अपने ऊपर नहीं किसी और के ऊपर ही। सही आप और उधर से। अच्छा भैया जी, अम्मा के पास चलिए उस तरह। तो ओके अम्मा ने कह दिया, मैं चल तीन नंबर लगा, दो नंबर का बर्दार हो गया खर्चे से, हम खर्चा करने वाले हैं। और आप कंट्रोल करते हैं, इसीलिए आप चौथे नंबर। अगर बस चले तो ऊपर हेलीकॉप्टर से पैसे फेंकने शुरू करते लोगों में, तुम सब ले लो पैसे। अच्छा अक्सर मैंने देखा घर में बेटियां हैं वो ज्यादा खर्चा करवाती हैं। नहीं जन्नत को तो तीसरा नंबर आ रहा है। जन्नत कुछ भी नहीं करती, इसलिए हम खुद खर्चा करते हैं तो हो जाता है, वरना नहीं करती। अच्छा भाई यहाँ पे नंबर वन, उड़े बाप, नहीं नहीं गलत खड़े हुए, हाँ क्योंकि किसी और का दिल नहीं खराब। ये इस ईद का नाम है ही कुर्बानी। सही नहीं, यशमीरा है हमारे यहाँ। असल कहानी क्या है? असल यशमीरा। अच्छा हाँ फजूल खर्च यशमीरा है। क्या डायलॉग होता है, आराम से कोई बात नहीं है। हाँ। कोई मसला नहीं, पैसे हम लोग ऑन एयर जा रहे हैं पोजीशन पे। अम्मा कोई मसला नहीं, आ जाएंगे पैसे, बल्कि आप बेटा अम्मा के पास आ जाओ। और अब्बा इस तरह से हैं कि अगर मैं उनसे कहूँ कोई एक चीज लाने का तो ये उसी किस्म की 10 चीजें ले आते हैं। अरे भाई क्या मसला है, बहुत बड़ा दिल है, बीवी छोड़ के। तो वो कभी बीवी लाने को कहती भी नहीं होंगी। अच्छा यहाँ पे जब बंदा हीरो बन रहा है तो जाहिर है उसको अपने मेंटेन रखने के लिए कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, तो यहाँ सबसे ज्यादा खर्चा कराने वाले ऐसे ने। लेकिन मैं थोड़ा एग्री नहीं करता, मैं फिर भी जबरदस्ती करा दिया। हाँ। मेरी मैं थोड़ा बदनाम हूँ थोड़ा बचपन से, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं बाबा सबसे ज्यादा खर्चते हैं अपनी चीजों पे। अच्छा जैसे ये इन्होंने इम्प्रेशन बनाया हुआ है कि मैं नहीं खर्चता, सबसे ज्यादा खर्चते हैं। जैसे क्या? देसी घी ले लिया या वाइट घर की चीजें? बेटा अपने लिए तो नहीं ले, घर में ना खाता तो वही एक ही बात है, घर की हो जाए। जो चीजें फजूल होती है ना, जो हमने यूज ही नहीं करी, बोले आते या अगर एक चीज पसंद आ गई है ना और वो महंगी है, उस तरह की उतने ही पैसे पता नहीं शायद ज्यादा लगा के उस तरह की अलग के ऑर्डर पे बनवाऊंगा सस्ती। तो वो ज्यादा पैसे लग जाते हैं और वो परफेक्ट वो बनती भी नहीं। नहीं 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 ये झूठ है, ये दो ले आता हूँ उस टाइप की चीजें फ्री में।
और अगर एक चीज फ्री में किसी जगह से खास मिलती है ना, वो चाहे घर में कोई नहीं खाता वो ले आते हैं। अच्छा खुद भी खाते हैं कि नहीं? खिलाते सब जाते हैं। घर में जिसकी इज्जत नहीं है वो है या नंबर फोर में? ये सवाल ना पूछना, खुदा की कसम मैं इससे भी नीचे चले जाऊंगा। अच्छा जी, बहन ये जो बच्चा है ना मेरा, हाँ। ये रोज शॉपिंग करता है लेकिन खर्चा नहीं होता। कैसे? उधार करके लाता ये ऑनलाइन। ये ऑनलाइन 500 की चीज मंगा लेगा, हाँ। मैक्सिमम 1500 से ऊपर की चीज नहीं मंगाता, लेकिन हर दूसरे दिन एक पैकेट आया था टीप टीप। और उसकी टाइमिंग वो होती है जिसमें हम ये सोया होता है और हम जाकर हम रिसीव करते हैं, तो वो पॉकेट मनी में से पैसे नहीं जाते। अच्छा एक्सक्यूज मी, मेरी भी सुन लें जी, रोज मेरे घर भी घंटी बजती है और वो फिर फोन आता है, हेलो मैं वो भूल गई पैसे थे तो आप दे दें। आज तक मुझे नहीं याद आया कि उसको भूल पैसे याद नहीं रहते। अच्छा इसकी साजिश मैं आके दे रही हूं। इसकी 2-3 महीने की शॉपिंग इकट्ठी करें ना, हाँ। तो वो इतने से पैसे बनते हैं, हाँ। तो भाईजान 2 महीने बाद एक चीज लेते हैं तो वो ऐसी लेते हैं कि वो कानों से धुआं मेरे निकाल देते हैं। ये है बस इतना क्वालिटी पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्वालिटी पे मेरे साथ कमाल होता है जी, अगर मैंने कुछ कर दिया आज पहली बार आपने किया। और इमोशनली आंसू भी आते होंगे दो टपक के, है ना? सबसे ज्यादा गुस्सा कंपैरेटिवली चलाओ एक दिन चलो भाई आप है शिफ्टिंग से वो क्या कह रहे हैं इब्राहिम? अच्छा फैमिली में आपस ही तय हो रहा है ना? क्या कह रहे हैं आप? बोलो बोलो इब्राहिम, सबसे कम बोल रहे हैं आप भाई, ये क्या बात होगी? क्या बोल रहे हो आप बताओ, क्या बोला आपने? वो चौथे नहीं आप उधर चलेगा, इब्राहिम ने तो ऑर्डर कर दिया मामा उधर ही रहे। दिस इज यार ये टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है, कहते हैं अम्मी आप इधर ही रहे। इब्राहिम के लिए तालियां इब्राहिम भाई, ये इसमें इससे मुझे लग रहा है कि ये लिखेगा नहीं, लेकिन सेकंड नंबर पे तो सऊद साहब आए ना उससे में, हाँ नहीं रिमोट तो ये तोड़ता था मुझे याद है बचपन में। नहीं ये दीवारों पर सर मारने लग जाता था गुस्से में, खुद ही जमीन के ऊपर सर मार रहा है गुस्से में। शायद कुछ निकला है साउथ। नहीं नहीं माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी सलामती रखे बेटा, आपने अभी अपने बाबा का गुस्सा देखा नहीं है, हमने देखा हुआ है। अच्छा जो घर वाला गुस्सा उसकी बात हो रही है बेटा? नहीं मुझे नहीं लगता सऊद भाई कि आप बच्चे पे गुस्सा करते हैं। की बात हो रही है किसका कितना शौक है, बच्चे बताएंगे ना, ये तो घर की बात हो रही है ना। वैसे जो अच्छा गुस्सा सबसे ज्यादा गुस्से वाली जो है वो जहरिया है, सेकंड नंबर पे इब्राहिम है, थर्ड पे सऊद भाई, और जन्नत पे गुस्सा नहीं है। नहीं जन्नत को अभी भी माइनस करें, माइनस फोर अभी भी बैठे सोफे पे बैठ जाओ तुम। नहीं नहीं आता है गुस्सा कभी कभार, आटे में नमक के भरा। हां अरे छोटी बातों पे नहीं आता, सही बात पे आता, सही बात पे कूल माइंडेड गर्ल। अच्छा भाई यहाँ देखे जरा, अरे बाप रे शबीर भाई शबीर हेलो, खैर ये सवाल तो आप मुझसे लोग ये सवाल तो आप मुझसे भी कर सकते थे। अच्छा और अच्छा आपका नहीं है बिल्कुल भी है? नहीं कैमोफ्लेज किया हुआ है अभी के लिए, वो ये आगे बढ़ा के वाली बात है ना कि गलत बात पे आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, गलत बात पे बहुत बुरा आता है। अर्दिल का भी गुस्सा तेज है, अर्दिल तो मुझे बड़ा देखने से कूल माइंडेड लगता है, बस घर वाला गुस्सा है मैं देखने से लगता हूँ। देखने से आता है किस बातों पे आता है? मुझे गाड़ी चलाते हुए बहुत गुस्सा, क्या गलत सिग्नल तोड़ दिया है, मत पूछो भाई, गटर को गालियाँ, पत्थर को गालियाँ, मोटरसाइकिल को गालियाँ कौन देता है? अच्छा ये गटर यहाँ पे क्यों है, ये गटर ही हुआ यहाँ पे क्यों है, ये कोई जगह है गटर की? होना सही है लेकिन ढक्कन तो हो ना। बिल्कुल ऐसे ही, और मतलब हम गुस्सा करने वाले मशहूर हैं लेकिन बेफायदा, मतलब बेजरर, नहीं गुस्सा किसी काम के नहीं हमारा। हाँ अरे चल मैं साइड पे बैठ रही हूँ, वो वाला गुस्सा हुआ। अच्छा हम लेस गुस्सा घर में ये हाल है। हाँ अच्छा यहाँ दोनों का बराबर है गुस्सा? हाँ जी इनका तो बहुत, इनको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। पहले से आता है या अभी आना शुरू हुआ? नहीं पहले से ही आता है, शुरू से। हाँ शुरू से एकदम आएगा। मुझे ये नहीं कि आपस में आता है, मुझे कोई दो बंदे लड़ रहे हो ना ये गलत हो तो मैं उसे उसमें भी बोल पड़ता हूँ यार भी आपके जैसे। और मैंने बड़े नुकसान उठाए हैं सबको, पिटे भी हैं मुझे, सच बोल जाता हूँ। तेजी से गुस्सा चढ़ता है और तेजी से ही, हाँ लेकिन मुझे गुस्सा यूं जाके ना यूं
वापस आ गए, लेकिन जब तक माहौल खराब हो चुका था। तो आपके साथ भी यही प्रॉब्लम? लेकिन नहीं, हमेशा गुस्सा गलत बात पे जाता है, ये नहीं कि मैं अच्छी बात पे गुस्सा करूं। हाँ, ये कभी हर किसी और ऐसे नहीं, इस क्वालिटी में आप कर गए सेम सेम। हां लेकिन आपको दो लोगों का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है घर में। जी बिल्कुल, ये है कि वो कूल माइंडेड बच्चा, वो उसको मेरा ख्याल है 4 नंबर से भी आगे। मैंने उसे गुस्से में आज तक नहीं देखा, लेकिन अगर कभी कोई 3-4 साल में एक बात पे इसका मतलब है बेटा अभी तक तुम समझे नहीं। अब तक नहीं समझ गया, ये भी समझ गया, ठीक नहीं हो सकते, बेकार हो सकता नहीं। हाँ। तो वो जो है वो मतलब वो सही बात पे होता है। अच्छा, और वो मुझे ही कह देता है, गुस्से में कह देता है, मुझे गुस्सा, फिर मैं समझ जाती हूँ। अगला सवाल है, सबसे ज्यादा कम हिम्मत कौन है घर में, जो हर वक्त हिम्मत हार जाता है? आओ अब तो आ जाओ, सबसे कम हिम्मत आप लोग आपस में कुछ माहौल सही नहीं है, कम क्या आपकी कसम नहीं है? अब ये नहीं पता लग रहा हो क्या रहा है? देखो हम लोग शोर मचवाते हैं, हमारी हुकूमत ऐसी है, अरे एग्जैक्टली कोई बात नहीं भी हो तो परेशान हो जाती है, भी परेशानी कोई बात नहीं टेंशन ले। और वो रिलैक्स, वो सिर्फ इसके लिए परेशानी होती है, कोई परेशानी नहीं है नहीं यशमीरा चिल है जी जी, वो मुझे भी कहती है वैसे यशमीरा। हाँ, यहाँ अर्दिल गलत खड़े हैं। अच्छा, यहाँ यशमीरा को होना चाहिए। अच्छा जी, माशाल्लाह ये भी बहुत जब सर पे सवार करती है तो बहुत कुछ पढ़ाई का वो आ गया। अरे तो पढ़ाई हमारी कोई बात हो गई तो चले माँ बाप अम्मा को प्यार करें, अब जब तक नहीं करेंगे मैं परेशान। अच्छा भाई अम्मा चल भाई ठीक है तो गलत खड़ी थी, बिल्कुल गलत खड़ी थी, मीटिंग गलत ही है। ये साथ हैं, इनको कोई परवाह नहीं है किसका झगड़ा हो रहा है, किसका फसाद हो रहा है, बहुत ज्यादा होगा क्या लगाया हुआ ये, बंद करें सब और अपना पिज्जा लेके आवाज भी ऐसे लगाएंगे कि मतलब बाकी सब चुप हो जाए ना और बस। हाँ। अच्छा और यहाँ साउथ भाई। मगर मैं आगे की सोचता हूँ ना, मुझे पता होता है ये जो हो रहा है ना इसका आगे असरात क्या होंगे, और हमेशा ये भी इसको भी पता है, इसको एक दफा गाड़ी से उतारा था मैंने 3-4 मरतबा तो चोटे लगा दी, पछता नहीं रहे, पछता नहीं यहाँ, ये सबसे कम हिम्मत, परेशान मुझे क्या हो गया, मेरा गला खराब हो गया, अभी वो काम हुआ भी नहीं होता पहले, पहले टेंशन ले, अजीब ख्याल आते हैं, सिर्फ फैमिली के लिए नहीं बहन भाइयों के लिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ अब अब्बू के बाद, तो मुझे सबकी एकदम बस वो एहसन जो है वो सबको बकअप करने में होता है, हिम्मत वाला, मोराल अप करने वाला, स्ट्रांग भाई कोई बात नहीं हो गया। बाबा क्या हो गया, अरे वाह यार जबरदस्त गुड बॉय, ऐसे ही मेरी बेटी होता है, ऐसे ही है, मैं कह रहा हूँ ना परेशान ना हो ठीक हो जाएगा सब। हाँ तो क्या पता कोई तीसरा पांचवा आके बोलेगा परेशान ना, अच्छा भाई शुक्रिया, हम बकवास कर रहे हैं क्या? ये मस्ती, ये फैमिली टाइम इसी तरह जारी सारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। और लंदन भावलपुर से भी बड़ा, हर तरफ बंदे ही बंदे, औरतें भी चौहान साहब, पाकिस्तान वापस चले जाओ वरना लाश जाएगी तुम्हारी। लड़की जब शर्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींचे ना तो समझो खिंच पड़ रही है उसको। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज हमारी तीन फैमिलीज, हमारी फेवरेट फैमिलीज हमारे साथ हैं हमारे शो पे। ये वो फैमिलीज हैं जब हमारा शो शुरू हुआ, तो इनकी वजह से, इनकी हेल्प, इनकी सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे, और हम हमेशा इनके थैंकफुल रहते हैं। ये वो दोस्त हैं जो हमेशा सपोर्ट करने में आगे रहे, और आज हम ईद इनके साथ बड़े दिनों बाद इकट्ठे मना रहे हैं। अच्छा मैं अब आप लोगों से ना जनरल क्वेश्चंस करूंगी दूसरी और फैमिलीज के बारे में। अच्छा। और उसके बाद आपको हांडी पकाने का मौका दूंगी। ईद पर हांडी हर किसी के घर में बनती है, आपके अलावा नहीं बनती हांडी?
बनती है लेकिन ईद पे तो बनती बनती है और अक्सर मर्द किचन में चले जाते हैं, आज तो हांडी मैं बनाऊंगा। सो आप लोगों को जैसे जैसे आप सही जवाब देते जाएंगे, आप अपनी हांडी कंप्लीट करते जाएंगे, उसके इंग्रेडिएंट कंप्लीट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई भी जनरल पब्लिक से रिलेटेड कोई सवाल करूंगी और तीनों फैमिलीज ने अपने अपने जवाब से मुझे आगाह कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक एक प्याला डालने का मौका मिलेगा सही जवाब। सही, ठीक है। स्क्रीन पे मैं आपसे सवाल करूंगी और आप लोग जवाब देंगे। तो पहला सवाल है मेरा स्क्रीन, अक्सर अम्मी अब्बू की बहस किस बात पर होती है? घर के खर्चों पर, एक दूसरे को वक्त ना देने पर, या रिश्तेदारों को लेकर? जी रैम्बो फैमिली क्या कहती है? घर के खर्चों पर। आप लोग कहते हैं घर के खर्चों पर। सऊद एंड जवेरिया फैमिली क्या कहती है? घर के खर्चों पर। हाँ, घर के खर्चों पर। एंड शबीर जान फैमिली क्या कहती है? घर के खर्चे। तीनों ने एक ही जवाब दिया है, घर के खर्चों पर, यानी एक दूसरे को वक्त ना देने पर और रिश्तेदारों को लेकर नहीं होती। देखते हैं कि सही जवाब क्या है। रिश्तेदारों को लेके कोई भी दिल की बात बाहर नहीं करती, सास बहू नंद ये सब चीजें। मैं समझा नहीं था, मैं समझा अपनी बताने नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा लोग अच्छा समझ आ गया, अब ना बताना। जन्नत कुछ कहना चाह रही है? जन्नत बोलो बोलो बोलो, मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तुम बताओगी। नहीं मैं कह रही थी ड्रामा में यूजुअली वो है ना। ओए जन्नत बोली, जन्नत बोली, जन्नत बोली, इशारा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले, ये तो मैंने जनरल पूछा, अगर मैं जन्नत यहाँ पूछती हूँ तो अम्मा अब्बा के अंदर लड़ाई ज्यादातर किस चीज पे लेकर? इन तीनों चीजों में से। इन तीनों चीजों में से उसको सोचिए, बताना है कि नहीं बता रहा? हाँ बताओ, बताओ इब्राहिम तुम बताओ और जन्नत तुम भी बताओ। रिश्तेदारों पर और घर के खर्चों, दोनों पर। और अगर यही सवाल मैं आपसे यशमीरा और अर्दिल आपसे करती हूँ तो आप इन तीनों में से क्या चूज करेंगे? लास्ट टू। लास्ट टू, आई थिंक फर्स्ट एंड द लास्ट वन। फर्स्ट इज घर के खर्चों पर एंड रिश्तेदारों पे, एग्जैक्ट सेम जवाब। एंड आप भी बच्चों बताओ, फर्स्ट वन घर के खर्चों को लेके। ओके अगला सवाल जनरल, अगला सवाल। आजकल माँ बाप गुस्से में क्या धमकियां देते हैं? तुम्हारा मोबाइल छीन लेंगे, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, पॉकेट मनी बंद कर देंगे। बच्चे जवाब देंगे। हाँ जनरल, दिस इज जनरल। रैम्बो फैमिली ने जवाब दिया तुम्हारा मोबाइल छीन लेंगे। जवेरिया और साउथ फैमिली क्या कहते हैं? यही मोबाइल छीन लेंगे। शबीर जान फैमिली क्या कहते हैं? दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे। दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे, दिस इज फॉर जनरल पब्लिक। ओके लाइए दिखाते हैं जवाब क्या है सर। तुम्हारा मोबाइल छीन लेंगे, एक प्याला डालो भाई, एक प्याला, एक प्याला। अच्छा प्याला कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाले हांडी में, एक प्याला कम करो। मैंने आलू डाल दिए। पहले पहले प्याज डालो। हां प्याज, पहले प्याज डालो। चल जाओ, मैं ये लेसन, ये आपको जो पता नहीं है वो डाल रहे हैं, लेसन डालो। अच्छा अब अगर मैं तुमसे यही वाली बात पूछूं, असल में क्या वाली धमकी होती है? मोबाइल छीनने वाली या नहीं, दोस्तों से दोस्तों। और ये तुम लोगों की मोबाइल छीनने वाली होती है? हमारी नहीं होती है। तो कोई धमकी नहीं, हमारी भी दोस्तों वाली होती, दोस्तों वाली होती है। और आपको क्या धमकी मिलती है आप दोनों को? फोन, मोबाइल, फोन, फोन नहीं नहीं ज्यादा मिलती नहीं है, लेकिन अगर मिलती है तो दोस्तों आपको दोस्तों की होती है वो मोबाइल? मैंने कब दोस्तों से मिलने से मना किया है? हाँ, नहीं धमकी, अब दोस्तों की अम्मियाँ फोन करेंगी। मैं तो नहीं धमकी देती कभी, नहीं वही तो मैं कह रही हूँ, देती नहीं, लेकिन जब आप देती है तो उस बात पे देती है। समझ आई? ओके अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ अम्मी अब्बू बच्चों पर सबसे ज्यादा किस बात पर गुस्सा करते हैं? पढ़ाई पर, सुनी अनसुनी करने पर, फोन के बेजा इस्तेमाल पर? तीन नंबर जनरल, फोन के बेजा इस्तेमाल, जनरल जनरल जनरल, फोन के बेजा इस्तेमाल पर। आप नंबर तीन, नंबर थ्री, फोन के बेजा, अरे क्या होगा, सुनी अनसुनी, आप लोग फोन, फोन। आई आप तीनों श्योर हैं? पूरी तरह, लेकिन मुझे लग रहा है सुनी अनसुनी कर रहे हैं। आप सोच लें, सब सुनी अनसुनी भी हो सकता है, 50-50। एक बताए ना, फोन, फोन बताए, एक बताए, कोई लाइफलाइन, फोन के भेजा इस्तेमाल। चलिए जी फोन पे डन, हमारे फोन पे डन करते हैं, तीनों फोन पे डन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है देखिए जरा, सुनी अनसुनी करने पर हर कैटेगरी के माँ बाप को सोचे हैं,
सिर्फ फोन वाले माँ बाप ने यहाँ आप सही कहते कहते आ गए और तुम दोनों पे अम्मा अब्बा ज्यादातर किस बात पे गुस्सा फोन फोन सेम ये सुनता नहीं है और ये फोन सुनी अनसुनी और वो फोन और यहाँ क्या सीन है एहसन और बहन फोन फोन ये भाई ये तो क्या बात आप लोगों ने सही नहीं किया लोगों से मैं कि मैं हर कैटेगरी हर क्लास सबको कवर कर रही हूं जब भी मैं चमचा लाएगा खाली ये देख ओके भाई अगला सवाल ज्यादातर बच्चे अपने वालिदैन की कौन सी आदत बदलना चाहते हैं पहले नंबर ये नंबर 1 हर वक्त गुस्सा करने की आदत नंबर 2 पूछ गछ करने की आदत नंबर 3 बेजा पाबंदियां लगाने अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं हर घर का ना अपना अंदाज है ठीक है ना अगर हम मैं ज्यादातर हमारे बच्चे जैसे हमारी फैमिली है ना तो हमारे बच्चे जो है ना वो उस पे होते हैं आप हर वक्त जो है ना बस गुस्सा करते रहते हैं ठीक है ना अब इनकी फैमिली होती है बिला वजह ना पाबंदियां लगाती है अब इनकी फैमिली है वो कहते हैं ज्यादा पूछ गछ करते हैं तो हर एक अपना स्टाइल है अच्छा लेकिन देखिए जनरली हम तो एवरेज लगा रहे ना रेट एवरेज हम आपके घर की तो बाद में पूछ रहे इस पे हमने जो रिसर्च की है अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 100 लोग हैं 100 लोगों से हमने सवाल करवाए तो जो एवरेज सोचते हैं जवाब वहाँ आए आप लोग तो जाहिर है एक्टर्स भी हैं तो ऑब्जर्वेशन आप लोगों की स्ट्रांग है आपकी फैमिली चलें बताएं हाँ क्या कहते हैं भाई बताइए शबीर फैमिली क्या कहते हैं पूछ गछ की आदत से बच्चे चिढ़ते हैं रैम्बो साहिबा फैमिली क्या कहते हैं हर वक्त गुस्सा करने वाली आदत हर वक्त गुस्सा करने वाली आदत से बच्चे चिढ़ते हैं जी आप फरमाइएगा हाँ भाई मेरे ख्याल है एक के दो एक सेकंड एक सेकंड एक के दो ओके क्या नंबर 3 इज चलो अभी अलग अलग हो गए बेजा पाबंदियां लगाने की आदत दिस इज नंबर 3 आर यू श्योर ओके सही जवाब गोश्त डालो गोश्त पहले गोश्त डालो आलू कोई बन रहा माने आज ये मिर्चे आलू जल गए गोश्त जल गए मैं ग्राइंडर से कटवा के आया गोश्त अगला सवाल किस मामले में माँ बाप की बर्दाश्त सिफर होती है जीरो होती है पसंद की शादी के मामले में ज्यादा दोस्तियां निभाने के मामले में फजूल खर्ची के मामले में आप लोग क्या कहते हैं नंबर 3 नंबर 3 फजूल खर्ची के मामले में जीरो टॉलरेंस होती है ठीक है जी आपकी फैमिली क्या कहती है आई थिंक ज्यादा दोस्तियां निभाने के मामले कहा फजूल खर्चियों के मामले इनका था मेरा नहीं ओके जी यार तुम यहाँ जो दिखाइए क्या है सही जवाब सही पहला ही है बिल्कुल सही जवाब हांडी में एक और कम नमक नमक दो लहसुन दो नमक दे नमक जनरली पता ही अच्छा अगर मैं यहाँ पूछूं आपके बच्चे के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये कहेंगे हमें फला फला पसंद है तो यहाँ माँ बाप कहेंगे जा सिमरन जी ले वो साइड पोस्ट से इतना गुस्से में नजर आ रहा है ना कैसे फूली हुई हूँ हम हार रहे हैं हाँ भाई बताएं क्या जवाब कोशिश करेंगे कि बच्चों की पसंद ही हो अच्छा हाँ। और मैं यहाँ ये सवाल करना चाहूंगी पेरेंट्स से आप लोग भी इनकी मर्जी जरूर होती है इनकी मर्जी हाँ। ओके मर्जी तो जरूर होती है जाहिर है मर्जी के बगैर और यहाँ आप लोग क्या हैं माँ बाप क्या देखेंगे भाई पसंद की शादी ऐसे वो स्कूल नहीं ऐसे भेज रहे मैंने एक दिन कहा कि इब्राहिम जब तुम बड़े होगे तो हमें कमा के खिलाओगे हम घर पे जैसे अभी तुम बैठे होते ऐसे हम बैठा करेंगे क्या कह रहे हैं आप हमारे साथ ही रहेंगे जब तो पता नहीं बच्चों का हमारे दोनों पसंद की शादी को
चेक जरूर करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता, जमाना बहुत चेक किया वैसे आपने। ये बात मैंने साहिबा को कहनी चाहिए थी। रैम्बो के बहुत चेक किया भाई। नहीं किया ना चेक, तो सही कह रहा रैम्बो। आजमाज मुंह के पूरा ठोक बजा के तब चलिए नेक्स्ट। ओके जी नेक्स्ट सवाल। अक्सर माँ बाप किस चीज का ताना देते हैं? दूसरों के बच्चों के, दूसरों के बच्चों के ताने, हद से ज्यादा सोने के ताने, वक्त से पहले बड़ी बड़ी बातें करने के ताने। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, दूसरों के बच्चों के ताने देखा है? उनका बच्चा देखा कहाँ पहुँच गया माशाल्लाह। और एक तुम बताओ, और आप लोगों का भी यही जवाब है पहला वाला। आप क्या कह रहे हैं? पहला वाला, दूसरों के बच्चों के ताने। हाँ। दूसरों के बच्चों के ताने दिखाइए भाई, सही क्या जवाब है? अरे यही है यार, हल्दी डालो। ये कहना है कि बिल्कुल सही जवाब, हर माँ बाप ताने जो देता है इस बात पे दो डाल दो, एक ही डालो। हल्दी डाली है उन्होंने, नमक डाला आपने, नमक, हल्दी के बगैर खाना बन जाता है, नमक के बगैर नहीं बनता। अच्छा अब मैं कुछ पता नहीं आगे डालने का मौका मिले नहीं मिले। मैं आप दोनों से पूछूंगी। हाँ जी होगा ना। हाँ, मैं आप दोनों से पूछूंगी क्या ताने अक्सर सुनने को मिलते हैं? नहीं, ताना नहीं मिलता। कोई तो मिलता होगा यार, कभी तो मिलता होगा यार, इतनी महंगी कोई चीज दिलाई तुमने उसकी कदर ही नहीं की। देखो मुझे कैसे पता है, नहीं ये जो बच्चों को ताने मिलते हैं ना, मेरे भाई के बच्चे को देखा क्या चीज कितना काबिल है, पढ़ाई के दौरान ही माशाल्लाह कमाने लगा था। वो इसको पढ़ती है, इसको ताने पढ़ते हैं, और तुम्हें नहीं पढ़ता कुछ नहीं। वो कुछ इस चीज ही बड़ी सस्ती लेते हैं। तो तुम वहीं बैठ के वो खत्म हो गया सेगमेंट, और ये चीज लेके शौक से खर्चा करवा के थोड़े दिनों बाद मैं देखता हूँ वो पड़ी है, वो पड़ी, मैं कहता हूँ भाई इसको अब ली है तो इसको संभालो, क्योंकि वो चलती है। हाँ, वो चलती है अभी तक, बड़ी पुरानी चीजें हैं, लंबी चलती है। हाँ, चलती है। या आप दोनों को माशाल्लाह क्या ताना सुनने को मिलते हैं? मोस्टली यही होता है कि आप कोई सी दूसरे से कंपेयर थोड़ा सा नो होता है, ऐसे हम कोई हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलते अम्मी अब्बू, सबके अम्मी अब्बू बोलते हैं कि वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, लाइक वो पढ़ रहे हैं, वो दे डूइंग वेल फॉर देमसेल्फ, सो ऑब्वियसली ये भी हम चाहते हैं कि हम भी अपने लिए कुछ अच्छा करें जिंदगी में दुनिया में, तो बस वो हमें अच्छा चाहते हैं कि हम अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, तो बस इसी दिल पे नहीं लगता, मतलब वो हमारी बेहतरी के लिए एक तरह से बोल रहे होते हैं। तो बड़ा समझदार हो यार, बस यही है कि हमने तुम्हारे तुम लोग ने इतना कुछ किया है, अच्छा भी हमारे लिए कुछ अच्छा कर। और भाई जन्नत और इब्राहिम तुम लोगों को भी तो कोई ताना सुनने को मिलता होगा ना, मतलब अच्छा वो अच्छी से समझिए दाना दाना, उसे गाना सुने दाने पे दाना, कोई भी टॉन्ट ऐसे मार दिया लाइक वो कंपैरिजन करना किसी भी अपने किसी और रिश्तेदार के बच्चे के साथ, देखो लाइक वो कितने वो बोलते हैं, अब फॉर एग्जांपल जैसे कब तुम कम बोलती हो कभी कुछ ऐसा। मामा मुझे ये बहुत बोलते हैं कि लाइक तुम अपना खुद का वो नहीं करती, क्योंकि मैं लाइक रफ टफ रहती हो, ख्याल करो स्किन का, बालों का, वो वाली चीज़ ना। हाँ, पानी पियो ज्यादा, वो उस तरह के ये ताने ब्यूटी ताने मिलते हैं। हाँ, है ना? मैं कहती हूँ अपना ख्याल खुद रखो बड़ी। हाँ, और बाबा बोलते हैं कि अगर वो दूसरे दूसरे क्या जैसे लाइक वो दूसरे लोगों को देखे, कोई बात नहीं, जैसे वो दूसरे लोगों को देखे और वो लाइक बहुत कूल चीज कर रहा हूँ, इब्राहिम तुम्हें ये करना चाहिए कूल चीज। हाँ, नहीं मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं पसंद। हाँ, नहीं करो, बहुत पैसे कमा दो। ओह माय गॉड, तो ये कर नहीं सकते, तो मेरी गलती नहीं है। हाँ, नहीं तुम्हें अभी सीखना पड़ेगा। हाँ, और फिर कभी कभी भूल जाते हैं, और फिर भूल जाते हैं। ओके भाई अगला सवाल, हांडी पकने को तैयार है। अक्सर माओं को शादी के बाद अपने बेटों से क्या शिकवे रहते हैं? खर्चा कम देता है, बैठकर बात नहीं करता, हर बात में बीवी की बात को तरजीह देता है। तीसरा नंबर। रैम्बो भाई की फैमिली ने कहा हर बात में बीवी की फैमिली को तरजीह देता है। शबीर जान की फैमिली ने कहा
हर बात में बीवी को तरजीह देता है, ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल जनरल अपना नहीं सोचे, घरों की बात, आपके खानदान की बात नहीं पूछ रही, खर्चा कम देता है, बैठ कर बात नहीं करता, उन्होंने बोला हर बात पर बीवी को तरजीह देता है, आप क्या सिलेक्ट करेंगे, खर्चा कम देता है, आप तीसरा सिलेक्ट करेंगे, खर्चा कम, हमारे घर की बात नहीं है, जनरल बैठ कर बात नहीं करता, बैठ कर बात नहीं करता, ठीक है, चलो खड़ा होकर तो कर लेते हैं ना, सबने अलग अलग नहीं, आपने यही चूज किया, बैठ के बात नहीं, नहीं हमने किया, आपने किया, इन दोनों का एक है, क्या है सही जवाब, हर बात में बीवी की बात को तरजीह देता है, बिल्कुल सही जवाब, हांडी डाले, मसाला तो पक गया हमारा, नमक मुझे बोलने पक गया, चलें तुम दोनों को क्या लगता है कल को जब लोग घर आएंगे इंशाल्लाह तो क्या होगा, क्या क्या उस वक्त अम्मा पापा क्या कहेंगे, तुम ऐसे ही अज्यूम करो, नेचर सेकंड नंबर गाजी आप, सेकंड नंबर बैठ कर बात करो, सेकंड होगा शायद, तुम्हें भी ऐसे लगता है, मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं लगता, बैठ के बात करने वाली चीज नहीं, हाँ क्योंकि कर लेंगे बात, इतना क्या हो गया क्या जब वो आएगी ना फिर पूछेंगे, अच्छा रेनू भाई आपने आपने कभी कोई ताना सुना है ऐसा अम्मा से, मतलब प्यार मोहब्बत नहीं नहीं है, कभी भी नहीं, तीनों में से कोई भी बात कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मुझसे ज्यादा तो ये उनका ख्याल रखती है, हाँ तो फिर इसलिए नहीं कभी नहीं, और अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ तुम्हें क्या लगता है आगे जाके इन तीनों में से क्या कहेंगे ये, आई थिंक अभी भी यही प्रॉब्लम है कि बैठ के बात नहीं करते, तो अब आगे जाके भी यही होगी, हाँ अर्दिल आपको भी ऐसे ही लगता है, मतलब ज्यादातर तो यही होता है, मगर आई डोंट थिंक सो, हम सबको इक्वल टाइम देंगे, आपको लग रहा हो कहेंगे हर बात में बीवी को तरजीह है, नहीं सोच लो ये तो देखेंगे जब टाइम आएगा, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, लगता है अम्मा ही कहेंगी, पता नहीं अम्मा अम्मा बहुत कुछ बोलती है, अम्मा तो बहुत कुछ, अम्मा तीनों बातें करेंगी, इसका मतलब ये है अम्मा बहुत कुछ बोलती है, हर वक्त बीवी को तरजीह देता है, अम्मा सब कुछ बोलती है, एक लाइन में अम्मा कुछ भी बोलती है, एक लाइन में तीनों चीज आ सकती है, अच्छा जन्नत और इब्राहिम इतने छोटे हैं, मैं कैसे करूं इनसे ये सवाल, चलो छोड़ दो, समझ आए, अच्छा हां तो चले आप बता दो क्या, ठीक है आपको क्या लगता है, आप लोग क्या करेंगे, बच्चों से क्या डिमांड होंगी इन तीनों चीजों में से, नहीं, 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 बात नहीं करेंगे बैठ के, यही हाँ, हमारे साथ बात नहीं करते हो, अभी भी यही कहते हैं हम, हाँ तो हम अभी भी यही कहते हैं, तो भाई कुछ टाइम दो हमें, हम ताकि बैठ जाएं, बोलो 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 बोल दे, अगर मैं जाता हूँ ओके मैं जा, क्योंकि वो हर रोज बोलते रहते हैं, कभी हमारे साथ बैठते नहीं, कभी बातें नहीं करते हमारे साथ, तो मैं जाता हूँ इब्राहिम पंखा ऑन कर लेना, कर लिया ना? अच्छा थोड़ा स्लो कर लेना, स्लो कर लिया, अच्छा पानी लेकर आना, पानी लेकर आ गया, अच्छा मैं खाना खा रहा हूँ ठीक है, अंदर से चार्जर और तकिए लेकर आ जाओ, मामा एक सेकंड खाना खा रहा हूँ, यू थप्पड़ बात नहीं सुनते, मकसद ये कि बुला के हमसे काम करवाते यार, क्या ये बात करते हैं, एक काम नहीं किया तो बस सारा, मतलब वो कहता है बैठ के तो बात नहीं करते, वो तुझे बुलाते हैं उनके कमरे में जाओ काम बनाना शुरू कर देते, इसके कहने का मकसद है रामू काका बना देते, चलो जल्दी के भाई हांडी जल रही है यहां पे, वाह भाई क्या डाला अभी, ये वो बच्चे जो डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते, जो इनके अंदर है ना वो ये जनरेशन ही ऐसी है, हम लोग जरा तोल मोल के बोल लेते हैं, इनके जो दिल में है वो बाहर है, ओके भाई अगला सवाल, ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना देखना चाहते हैं, दूसरा जिस शोबे में खुद है वहाँ देखना चाहते हैं, या तीसरा मुल्क से बाहर देखना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ओके सभी फैमिली कहती है पहला वाला यानी डॉक्टर इंजीनियर, रैम्बो भाई फैमिली कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर, साउथ भाई तीनों ने सेम जवाब दिया है, आइए देखते हैं जनरल पब्लिक क्या कहती है, बिल्कुल सही जवाब, दो डालेंगे खुशी में, दो क्यों डालेंगे अभी तक इसका मतलब आप दोनों की फैमिली इस सेगमेंट में बराबर रहे, और एक और हम जीत गए, वाह वाह क्या बात है, ऐसे ही आप दोनों क्या चाहते हैं, आपके बच्चे क्या बने, मैं तो कहूंगा कि मेरे शोबे में जिस फील्ड में आप लोग, मैं और आप लोग क्या मतलब चाहते तुम चाहते नहीं कि अच्छे बनेंगे हमें मुझे अब यही काम अच्छा लगता है, हाँ ये तो है मेरे जहन में, मतलब जो भी बच्चे अच्छा कोई
कुछ भी चीज़ अच्छी शौक क्या है मेरी जिंदगी में, मैं समझता हूँ कि जो मेरा बच्चा चाहता है ना कि ये करूँ वो करना चाहिए। लेकिन तो बच्चे क्या चाहते हैं? बहुत कुछ, कुछ तो बता दे भाई। मतलब मैं क्रिकेट भी खेल चुका हूँ, आपको तो पता है मेरा, मैं बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, लाइक। लेकिन एक फोकस क्या है कि मुझे ये बनना है? क्रिकेटर वुड बी द क्रिकेट क्रिकेट। और यशमीरा तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? मैं अपने अब्बू के फुटस्टेप्स फॉलो। ओह वाओ, आ रही है प्रेजेंट यशमीरा शबीर जान। वाओ माशाल्लाह। और भाई तुम दोनों बताओ, इब्राहिम क्या बनना चाहते हो? मुझे विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट बनना है। टेक्निकल बच्चा। क्या कहता है? विजुअल इफेक्ट्स आर्ट, विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट। वो ये कर भी रहा है। बहुत अच्छा स्कोप है। और सीजीआई आर्टिस्ट, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, जिसमें भाई जैसे मूवीज में नकली चीजें देखते हैं और सब कुछ, तो मैं लाइक अच्छा करता हूं और मुझे लाइक करना है। आपको इस पे इंटरेस्ट है? वेरी गुड। और मुझे इंटरेस्ट पता कब हुआ? क्या जब इब्राहिम ने बताया कि एनिमेशन सीजीआई इफेक्ट्स, जब मुझे पता लगा कि एक मिनट के $1,00,000 होते हैं ना, तो उस दिन से मेरे इंटरेस्ट बढ़ गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, पिछले जितना शो है वो इन पे था। अच्छा इतने पैसे होते हैं जी? मेरे बच्चे भी यही करेंगे। जन्नत की यार सऊद बता दिए ना आपने। हाँ, जन्नत की क्या ख्वाहिश है? मुझे सिंगिंग पसंद है। ओ, सो वहाँ एक एक्ट्रेस आ रही है, यहाँ एक सिंगर आ रही है, क्या ऐसा होने वाला है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान प्रेजेंट्स। साइकोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट है। किसमें? साइकोलॉजी में भी। वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई ये खूबसूरत प्यारी सी फैमिली हमारे साथ है, हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, हांडिया तो तैयार है, ब्रेक के बाद इन्हीं हांडियों को इनको खिलाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास ये खूबसूरत आपकी फेवरेट फैमिलीज आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने आई हैं। और इस सेगमेंट में ना मैं वो वाली बात जो पेरेंट्स को अक्सर होती है, ये हमारी सुनते नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, सो आज वो सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। और तीनों फैमिलीज के बच्चों के बीच में मुकाबला ऐसे है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी और आप दोनों उन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। और जिसने मेरी इंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी फॉलो की तीनों बच्चों में, तीनों फैमिलीज के बच्चों में, वो जीत जाएगा गेम, ठीक है? और वाटर कूलर आप लोगों का हो जाएगा। रेडी? शुरू करें? पॉप पॉप। जो जो स्पीड अप स्पीड अप। डब डब थम टिक टिक। जो जो जी, रिजल्ट ये है कि 2 मिनट में आप दोनों ने 16 इंस्ट्रक्शंस फॉलो की है मेरी, और अगर यहाँ पे किसी ने ब्रेक कर दिया तो वो जीत जाएगा। ओके भाई, अब कौन सी फैमिली आ रही है, दोनों में से कौन सी आ रही है? आ जाओ जवेरिया साउथ फैमिली, रेडी? टाइम स्टार्ट्स नाउ। पॉप 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 पॉप। ओके जवेरिया, दोनों ने जवेरिया अभी। ओके टोटो Okay.
ज्यादा थक गई। देखते हैं लास्ट 3 सेकंड। पॉप 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 टोटो। हां भाई हो गया। सत्रह हो गए। अब साइबर एम्बो रेडी हैं आप लोग? फुटबॉलर्स हैं दोनों, क्रिकेटर भी हैं। तो बस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के रेडी हैं आप लोग? ये पॉइंट है। ओके टोटो उधर। टोटो दिल्ली आ। पॉप पॉप टिक टिक डब डब। पॉप पॉप dab dab jo jo toto woh hi hai udhar hi hai toto chalo cham cham dab dab 3 seconds last pop pop cham cham toto jo jo stop kitne Oh my God, 16 नंबर आए शब्बीर भाई की फैमिली के, 16 नंबर आए आप दोनों के फैमिली के, रेम्बो साहबा की, और विनर हो गए यहाँ पे जन्नत इब्राहिम, 17 नंबर। बेटा घर में भी ऐसी कुर्ती दिखाया करो ना तुम लोग। इब्राहिम ईद की क्या क्या घर में दस्तरखान पे क्या होता है भाई? शब्बीर जान फैमिली के दस्तरखान पे क्या होता है? सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लाइक पेट डिश होती है ना कि भाई पुलाव तो फरीदा के हाथ का ही खाने आएंगे। वो तो हम भी खाने ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। क्या पेट डिश है? देखिए सबसे पहले तो जो चीज बनती है ना वो होती है कलेजी गुर्दे। हाँ। ये चीज आती है पहले, उसके बाद फिर एक खूबसूरत सा भुना हुआ गोश्त होता है। हाँ। और उसके साथ कुछ चांपे शांपे भी। चांपे शांपे फुल। शांपे नहीं होती, चांपे होती है। तो आप जिस तरह मजे ले लेके बता रहे ना, मुंह में पानी आ रहा है। हाँ। ये होता है, फिर उसके बाद रात को बेहतरीन सा पुलाव होता है। हाँ। तो ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ये मेन्यू है जी जी। ये अब सारी डाइट वाइट की छूट होती है। अरे कौन 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 करता है डाइट? और भाई जवेरिया साउथ की फैमिली जो है उनके दस्तरखान पे क्या चीज मस्ट है ईद पर, बकरा ईद पर? भाई कलेजी तो होती ही है। हाँ। क्योंकि वो सुन्नत है जाहिर है। और शीर कोरमा होता है, इसके अलावा वो एक हम नमकीन गोश्त बनता है हमारे यहाँ। हाँ। वो होता है। हाँ। चांपे होती है। फ्राई जो होती है वो होती है। अच्छा। कढ़ाई होती है और पुलाव, ये चीज तो मतलब मुर्गी वाला कोई एलिमेंट नहीं रखते। और उसके साथ तो मुर्गी क्या हो गया? होता है कुछ लोगों बनाते हैं सारी चीजों के साथ, होती है एक डाइट ड्रिंक बहुत जरूरी होती है क्योंकि हम सब डाइट पर होते हैं। ये सब ये कुछ तो, खा के हम डाइट ड्रिंक पीते हैं। ये मस्त है, मस्त है भाई। रेम्बो साहिबा फैमिली इनके दस्तरखान पे क्या होता है? सबसे पहले कलेजी जिससे नाश्ता होता है तकरीबन। अच्छा। उसके बाद रेम्बो पुलाव 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 बनता है और भुना गोश्त। अच्छा। हमारी एक बकरा ईद तुम लोगों ने, हमारी एक जो बकरा ईद है वो जवेरिया साउथ के घर में भी थी। अच्छा। और जो ये नमकीन गोश्त बता रही है ना, और ये इतनी आसान और इतनी जल्दी में इन्होंने बनाया था। हाँ। वो जो चांपे क्या वो, और जरा सी भी हीक नहीं थी उसमें। अच्छा। जो कुर्बानी के गोश्त से आ रही होती तो बस कुर्बानी के गोश्त से आ रही होती है। हाँ। वो बिल्कुल नहीं थी। तब से मैंने जवेरिया से टिप्स लिए हैं कि कैसे क्या है भाई वो टिप। भाई जवेरिया हमें भी बताओ। नहीं वो कोई इतनी खास टिप नहीं है क्योंकि सऊद भी ये है कि कलेजी नहीं इतना खाते थे। नहीं वो कह रही है गोश्त में से हीक। हाँ तो वो हीक इसलिए नहीं आती क्योंकि हम जो फ्रेश गार्लिक होता है ना। हाँ। उसको चॉप करके डालते हैं। अच्छा। फ्रेश गार्लिक को जब आप चॉप करके डालेंगे और काली मिर्च और सिरका डालेंगे तो उसकी खुद ही खत्म हो जाएगी। ये तीन चीजें जरूर डालनी है। अच्छा। और कलेजी भी जवेरिया बहुत अच्छी बनाती है। अच्छी बनाती है। आप तीनों फैमिली से मुझे कुछ कुछ हमारी जो फैमिलीज देख रहे हैं उनको टिप्स चाहिए। आप जो है किसी और खाने लाइक चावल या किसी और के हवाले से कोई टिप दे सकती हैं? बहुत मजेदार होता है पुलाव। क्या है ऐसी खास बात ये सब तारीफ कर रहे हो उस पुलाव की? मैं उसमें कोई भी बाजार का जैसे मसाला होता है वो नहीं डाल, अपना डालती हूं। और एक वो
मेरी अम्मी बनाती थी, मतलब वो एक सारे गरम मसालों की पोटली, मलमल की जो पोटली होती थी, हाँ हाँ, तो वो उसमें सब चीजें, उसकी अच्छी अजीब सी खुशबू होती है, हाँ, वो सारी चीजें, सारे गरम मसाले डालती हैं, मसाले और मसाले जो जीरा और यानी खड़े मसाले, खड़े मसाले, हाँ हाँ, फिर वो जब गोश्त गल जाता है, जब उसको भूनती हूँ तो फिर वो पोटलियाँ निकाल लेती हूँ। अच्छा, तो बकरीद की बात करें ना, बकरीद में तो हम खुद जाके जानवर लाते हैं, इनके घर के वैसे भी जब पुलाव होता है ना तो उसका गोश्त बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो शबीर भाई कहीं खास जगह से आप मंगवाते हैं गोश्त, क्या है ऐसे गोश्त कैसे? जी, मैं खुद जाते हैं, काटते खुद नहीं है, बाकी सारा एक सामने खड़ा होता हूँ, इसको यहाँ से निकाल दो, मतलब अगर मैंने गोश्त लेना होता है ना, अगर मैंने 10 किलो गोश्त लिया है तो खुद ही खा लेते हैं, 8 किलो गोश्त लेता है, अगर वेट 10 किलो होता है ना तो मैं जब उससे लेके बोलता हूँ दोबारा वजन करना तो वो 8 किलो होता है, मैं बिल्कुल उसमें से एक एक चीज चर्बी हटा, गोश्त बनवाना एक फन है, ये वो जो जो अच्छा खाते हैं ना वो अच्छा गोश्त बनवा के लाते, बनवा के लाते हैं। आप खुद जाते हैं अपने घर की खरीदारी? मैं बड़े बड़े शौक से, मुझे तो सब्जियां खरीदने का, मैं तो पागल हूँ, मैं हरा हरा देख के मुझे कुछ हो जाता है, सब्जियां उगाई हुई है घर में, और पता है इनके तेल क्या, ये जाते हैं सरसों का वो कोलो से तेल निकलवा के लाते, अच्छा, हैं, ऑलिव ऑयल वहाँ से निकलवा के लाते हैं, बादाम का तेल वहाँ से निकलवा के लाते हैं, और ये कह रहे ना हरा इस्तेमाल नहीं करते, कुछ होता है इससे, शादी के बाद इंसान बना ये, शादी के बाद बने, यार वो ये सवाल नहीं पूछ रहे, अच्छा मैं वो पूछ रही है, एक एक बात मैं अब सॉरी काट रहा हूँ, काटो काटो, हमने बकरी से काट जो काट, हमने अच्छा लोग कहते हैं ना जी कि गुजरांवाले या लाहौर में बहुत अच्छा खाना होता है, लेकिन असल खाना जो है ना, जो वैरायटी है वो कराची की है, मैं ये सही, सब और सबसे अच्छी दही जो है ना मैंने कराची में खाई है, दही, दही, लस्सी, लस्सी, अच्छा। बिल्कुल, आप हमारी तरफ आइए, अच्छा मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, मैंने हमने कराची में सबसे ज्यादा खाने आपके घर, आपके घर और सबसे ज्यादा क्या, एक दो दफा तो आए, तो वो यही होता है ना, आप तो बैलेंस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ खाया, नहीं, मुझे लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे बैलेंस इसलिए नहीं कर रहा कि आके खाए हो तो खाए हो, लेकिन मैं पाक पुलाव में बना के लेके जाती थी और रेम्बो का सवाल घुसते ही होता था, भाभी क्या लाई आज, बिल्कुल, और इनके घर का वाकई खाना बहुत अच्छा होता है, माशाल्लाह भाभी बहुत जबरदस्त बनाती हैं, वो मुझे अभी तक वो टेबल मेरी आंखों के सामने फिर फ्लैश बैक में आ गई है, 15-20 खाने ऐसे, और आप भी बहुत अच्छा खुद बनाती हैं, शुक्रिया बहुत तो बहुत, जवेरिया की एक वो है वो क्या बनाई थी आपने, एक दफा मिक्स चावल और ब्रोकली मिक्स करके, मैं हर जगह जिक्र करता हूँ, मैंने वो कभी नहीं खाई, अच्छा क्या डिश थी, स्पेशल राइस होते हैं वो, ओ अच्छा, तो मैं एक पूरा सालन बहुत सारा बनाती हूँ, और सालन में आधे उबले हुए चावल डाल देते हैं, अच्छा, और फिर वो जब पक जाता है तो वो सालन चावल मिक्स होता है, ओ, उसमें सबसे ज्यादा ब्रोकली थी, ब्रोकली तो हमने सैलेड में खाई है ना, खाई हमने वैसे, और बहन हमारी ने हमें चावलों में खिला दी, भाई किसको पसंद है यहाँ, जन्नत को पसंद है, जन्नत को पसंद है, तुम्हें पसंद है, नए जमाने के बच्चों को, अच्छा निदा एक ऐसी बात है कि जो इनमें से चारों में से किसी बच्चे में नहीं होगी, पांचों में से सिर्फ एक ऐसन में है कि वो जो बकरा ईद का गोश्त है ना वो खुद अपने लिए पीस निकलवाता है स्टेक के लिए, ये सिर्फ क्योंकि कोई बच्चा उस इंटरेस्ट ही नहीं है, जैन को भी नहीं है और ये इनके बच्चों को भी नहीं है, खाने तक की हद तक है, लेकिन गोश्त जो है ना उसमें बनाता भी था, अच्छा तुम सारे बच्चों से, मेरा सारे बच्चों से मेरा ये सवाल है, क्या अट्रैक्शन होती है ईद की तुम लोगों को, लाइक हमें तो बचपन में ईदी की होती थी ना, तुम लोगों को क्या अट्रैक्शन होती है बकरीद में? मोस्ट ऑफ द टाइम बकरीद पे तो जानवर एंड यू नो लाइक कौन सा आ रहा है और दैट्स द होल एक्साइटमेंट अराउंड इट, मगर बड़ी ये छोटी ईद की बात है ना, बड़ी ईद पे तो ईदी होती है, इस पे छोटी ईद पर, और जनरल आपको भी कजन से मिलना, वाओ, और आप भाई जैन और एसन? हाँ जी, यही ये गेट टुगेदर वगैरह कजन, उसमें मज़ा आता है कि पूरा खानदान जमा हुआ होता है, कजन से मिलना जुलना, खाना पीना, ये आप लोग से भी मिलते हैं तो अच्छे तैयार होके अच्छे लग रहे हो, सारे अच्छा लगता है, वरना ऐसे ही तुम लोग जीन्स पहन के निकल जाते हो भाई, सारे बच्चों का ये, और इब्राहिम आपको क्या अट्रैक्शन है भाई ईद की बता दो, अम्मा अम्मा की आगे भी बताओ फिर ईदी के बाद, कजन कजन ईदी के बाद भी कुछ कहते हो ना तुम, ईद मुबारक रख लेते हैं हम लोग,
ओ हाँ, अब तक रखी हुई है। अब तक रखी हुई है। किस किस के मतलब किस किस के अम्मा अब्बा ईदी ले लेते बेटा ले लेना हमसे। हाँ बहुत बार हुआ है, अब हाँ। हम देते नहीं है। अब नहीं, अब हमें पता चल गया है कि ये हमारे साथ क्या सीन हो रहा था। क्योंकि हम बाद में पूछते भी हैं कि कहाँ है, हमें चाहिए, रखी हाँ। भी है, बाद में ले लेना। हाँ। शायद खर्च भी हो गई हो, हमें पता नहीं है। जन्नत आपके साथ भी यही जुल्म हुआ है? ईदी ले ली गई, ईदी ले ली गई है, और फिर किस्तों में वापस मिली या नहीं मिली? हम लोग वैसे भी हमें कुछ खरीदना होता है तो उनसे ही बोलते हैं। So, कोई आपको कोई टेंशन नहीं है? और जैन और तुम लोग बताओ, ऐसे हम तो ऐसे पहले होता था, आपको अब तुम लोग भी समझदार हो गए हो। हम अपनी ईदी किसी को नहीं देंगे। ये दो बड़े वाले हैं ना, ये भी दो और ये भी दो। हाँ। तो ये आप हो गए ऐसे कि हवा ही नहीं लगने देते कहाँ ईदी किसने दी है उसको। तो आपको क्या गम है इब्राहिम, आपकी ईदी किधर गई? अगर हम नहीं बोलना सही नहीं होता, अगर नहीं भी बोले ना देखने ले जाए आंखें यूं यूं बड़ी और ऐसा दिखाते कि हमें खा जाएंगे। इतना डराते हैं और फिर भी चोरी कर लेते और कहते हैं ओ डाकू लेने लिया होगा। चॉइस नहीं होती यार। ये बच्चे कितने प्यारे होते हैं और अल्लाह भी इन सारे बच्चों का नसीब अच्छा करे। मेरे देश से दुआएं सबके बच्चों के लिए, आपके बच्चों का भी। थैंक यू। ईद मैसेजेस अपने फैंस को प्लीज देना शुरू करें। साहिबा रेम्बो वो कैमरा आपका है, फैंस को क्या कहना चाहेंगे, सारी फैमिलीज को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ईद पे जो भी रिश्तेदार कोई नाराज़ हैं उनको मना लिया जाए, और इस ईद का ये है कि गोश्त कम से कम घर में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में बांटें। मैं इत्तेफाक करूँगा इनके साथ, आगे चलिए। भाई जी जवेरिया सऊद, ईद ये जो बकरीद है ये कुर्बानी इसमें होती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से बना है, और इस कुर्बानी को हमेशा याद रखिए, क्योंकि इसी तरह हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे इदारे बहुत कुर्बानियाँ देते हैं हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए, तो उनका भी ख्याल रखें। ईद अपनों के साथ और दूसरों के साथ और अपने प्यारों के साथ मनाएं और इन्जॉय करें। बिल्कुल, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, और उन लोगों को हज मुबारक जो कि हज कर कर आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी शबीर भाई एंड परीदा देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज थी? ईद मुबारक। ईद मुबारक बेगम साहब। ईद मुबारक। बस काफ़ी हमारी तो हो गई। लेकिन फिर भी सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, हज मुबारक। और अभी वही जो बात मैं ये कहूँगी कि इतनी महंगाई, इतनी महंगी चीज़ें हैं सब, तो गोश्त कम से कम घर में रखें, गरीबों को दें, सबको बांटें, जो लोग नहीं खा सकते बेचारे उन सबको दें, ये ज़्यादा अच्छा है, ना कि अपने फ्रीज़र और अपने फ्रिज में जमा करें, सबको बांटें। ख़ास तौर पर बाहर जो ममालिक में हमारे लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको भी ईद मुबारक, और उन लोगों को ख़ास ईद मुबारक है जो अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ के वहाँ कमाने गए, उनकी बहुत बहुत दिली ईद मुबारक मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। और एक छोटी सी बात मैं करूँगा कि हम सब, मैंने देखा है बड़े अरसे से और मैं कोशिश करता हूँ ये बात करूँ, हमेशा भूल जाता हूँ, तो आज मैं करूँगा इंशाल्लाह। मैं कर रहा हूँ, हम ईद पढ़ के निकलते हैं तो पुलिस वाले सुबह 5-6 बजे आके खड़े होते हैं मस्जिद के बाद, हम बाहर निकल के उनको ईद में कर चुका हूं पिछली उनको ईद मुबारक पे मुझे करने दो ना यार। रेम्बो साहब मैं करता हूं उनसे ये बात ना, मतलब बहुत कम लोग, नहीं बहुत कम लोग उनसे मिलते हैं। मैं ये कहता हूं कि जितने अंदर से ईद पढ़ के निकले ना वो पुलिस वाले भाई को जरूर ईद मुबारक कह के आगे ईद मुबारक पुलिस। और मैं एक और मैसेज देना चाहता हूं जो मुझे जरूरी था कहना, क्योंकि मेरी सारी फैमिली पाकिस्तान में नहीं होती है, मेरे बहन भाइयों को और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। भाई आप लोग तो मेरे दोस्त हैं, आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग शो पे आए, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं मैं उनका डबल थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन की। और अभी हम सब लोग निदा के आ जाएंगे, रात का डिनर है, बकरा कटा है। एक रह गया, एक मुबारकबाद मेरी बहुत जरूरी है, कौन वो है? मेरी प्यारी इरम के लिए जो, जिसे अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है,
उसको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से भी आपकी साली और बच्चों आपका भी शुक्रिया आप लोग हमारे साथ आए हमारा ईद का शो हमें तो बहुत मजा आया उम्मीद है आपने भी अपनी फैमिली के साथ इसी तरह ईद मनाई होगी सो देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईद मुबारक ईद मुबारक मंदिर दी मैं कमला तेरे तेरे गया तेरा हंसना तेरा तकना साड़ी जान ले गया साड़ा